आज के समय में हम दूसरे लेग पे तीसरे नंबर का हम आसन करने जा रहे हैं। स्पाइन पोस्चर, पीठ के बल करने वाले आसन। हम खड़े होकर, बैठकर और पेट के बल करने वाले आसन, तीन प्रकार के आसनों की श्रेणी खत्म कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं पीठ के बल करने वाले आसनों को। पहला है हल आसन, प्लो पोज। जैसे खेतों में हल को, हल से खेतों में बीज बोए जाते हैं, जोया जाता है उन्हें, तो वैसे वाला हल उसको यूज करना। अब ये महापुरुष और योगियों के मन में ये कैसे आया कि इस प्रकार से अगर इंसानों को, मनुष्य को, अगर वो इस प्रकार का पोस्चर अगर बनाएंगे तो इससे हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं। ये अद्भुत है अपने में सोचने में कि इस प्रकार की बुद्धि या इस प्रकार की सोच या इस प्रकार की दूरदृष्टि लाना, उस लाभ को समझना और हमारे मनुष्य शरीर में उसको समझ कर आगे परंपरा तौर पर उसको योग में लाना, उसको समझ कर करना, ये बहुत ही अपने में अनोखी बात है। बाकी हम जानवरों से तो हमने बहुत सारे आसन लिए हैं कि पक्षियों से लिए हैं, पशुओं से लिए हैं, पर इस प्रकार का आसन जो कुछ अलग है, जो इनसे काफी अलग है, इस प्रकार के आसन के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे क्या है ये। हम इसमें देखेंगे अच्छे से कि पहले ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने हैंड्स को स्ट्रेट करा हुआ है। कुछ लोग इसके अंदर हैंड्स को आपस में इंटरलॉक भी कर लेते हैं, ऑल करेक्ट। यहाँ हमारा जो पीठ का एंगल है, यानी कि जो बैक है, यानी कि पश्चिम साइड जो है हमारी बॉडी की, वो स्ट्रेट रखी जाएगी और यहाँ से एक पूरा कर्व जाता हुआ नीचे स्ट्रेट जाएगा। ये ना तो यूं होना चाहिए, ना ही तो ये बेंड होना चाहिए, ना ही ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जाता हुआ होना चाहिए जिसमें हमें कंफर्टेबल लगता है। ऐसा नहीं करना है। हाँ जी, अगर नहीं होता है तो हम अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसको अभी शुरुआती दौर पे उसको धीरे धीरे सीधा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मन में हमेशा ये याद रखेंगे कि हमने कौन सा आसन करना है, तो उसकी तरफ जाते जाएंगे। अगर आज पैर इतने ही आ पा रहे हैं, सॉरी इतने नहीं, इसमें या तो हवा में आ पा रहे हैं, पैरों पैरों की जो गति है, जो स्ट्रेट करना है, वो यहाँ तक आ पा रहा है, नीचे जमीन पे टच नहीं हो पा रहा, तो हम क्या करेंगे, यहीं तक मेंटेन करेंगे। लेकिन ये स्मरण रहे कि हमने नीचे तक लाना है, उसको टच करना है। तो जिनसे नहीं हो पाता तो एक दिन में नहीं करना, लेकिन जो लोग कर पाते हैं वो करेक्ट पोस्चर बनाने की कोशिश, उसका प्रयास करेंगे। इससे बेनिफिट्स क्या क्या होंगे हम पहले से ही समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखकर हमें समझ भी आता है कि अगर हम ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनाते हैं, ये अगर 90 डिग्री का एंगल हमारा यहाँ बनता है, किसके साथ ये एंगल बन रहा है हमारा, यहाँ सर्वाइकल के साथ। अगर ये हैंड्स को स्ट्रेच इसलिए करा जा रहा है ताकि पोस्चर मेंटेन हो पाए, स्ट्रेट हो पाए, हमारी पीठ बिल्कुल, जो हमारा पृष्ठ भाग है, यानी कि जो हमारी पश्चिम कान साइड है, जो पश्चिम साइड है हमारी बॉडी की, वो स्ट्रेट हो पाए, उसको मेंटेन करने के लिए हम हैंड्स को स्ट्रेच करते हैं। सेकेंडली, हैंड पोस्चर जो है हमारे, वो मेंटेन करे, एक उनकी जो अपनी खुद की मसल स्ट्रेंथ है उसको भी कैपेसिटी, सॉरी उसको भी स्ट्रेंथन करता है ये। सेकेंडली, यहाँ हम स्ट्रेच कर रहे हैं लेंग्स को, थाइस मसल को, यहाँ अच्छे से हम स्ट्रेच कर रहे हैं। प्लस यहाँ पे इस बार हमारे पैरों में ये वाला स्ट्रेच भी आ रहा है, जहाँ पे हमारे फुट को, यानी कि पैरों में जो एक स्ट्रेच आ रहा है, लेग्स में ही तो आता ही है, इस बार पैरों में भी स्ट्रेच इसके अंदर है। तो ये स्ट्रेच जो है हमारी उंगलियों के द्वारा अच्छे से मनाया जाता है, जिससे कि नर्व एंडिंग्स और ज्यादा खुलती हैं। तो आप ये समझ सकते हैं स्पिरिचुअली कितनी चीजों का इसके अंदर एडवांस एनहेंसमेंट हो रहा है, हम समझ पा रहे हैं। दूसरा, यहाँ हम जालंधर बंद के हिसाब से देख पाते हैं, कई जगहों पे जालंधर बंद लगाया जाता है, कहीं में नहीं लगाया जाता, पर अभी यहाँ जालंधर बंद की कोई बात नहीं हो रही, तो हम इसका प्रयास नहीं करेंगे। वो एडवांस लेवल है, वहां तक जाने की अभी हम बात नहीं करेंगे, पर इसमें लगाया जाता है, यह बात हो रही है। दूसरा, ये कुछ कुछ विपरीत करनी जैसा है, जिसके अंदर क्या होता है कि हमारा सूर्य मंडल और सौर मंडल के बारे में हम यहाँ पे पहले भी कई बार हट योग के टेक्स्ट पे चर्चा कर चुके हैं। हम सब, आपको पीछे से आवाज ज्यादा हो रही है। नहीं, पढ़ने में दिक्कत कर रहा है तो मैं गए थोड़ा है तो कोई समझ प्रॉब्लम नहीं। हाँ ठीक है, मैनेज हो पा रहा है। जी, ओके ठीक है, थैंक यू। तो ये जो स्ट्रेच है हमारी बॉडी में, ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करेगा, ये हमें समझ आ पा रहा है। प्लस वाहिनी मंडल, यानी कि जो अग्नि मंडल है, वो हमारी इसमें प्रदीप्त होती है और प्रदीप्त
प्रदीप्त मीन्स उसका कंट्रोल हमारा बनना शुरू होता है, क्योंकि ये कोर कोर एरिया पे हमारे यहाँ पे काम कर रहा है, कोर एरिया में, यहाँ पे हमारे कोर एरिया पे काम करता है। दूसरा, हम सोम स्राव यानी कि जो हमारे चंद्र मंडल है वहां का जो सोम स्राव है उसको भी हम रोक कर रखते हैं, तो हमें हेल्प करता है कि वो वेस्ट ना हो। खैर, अब ऐसा तो नहीं कि मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर लिया, नीचे जाने नहीं दिया, बाद में तो जो क्रियाएं हो रही है उसमें तो नीचे जा ही रहा है वो, तो हम क्या, हमें इसलिए हम खिचड़ी मुद्रा का अभ्यास साथ साथ में करते रहते हैं। लेकिन यहाँ जो होता है ये एक तरह का शीर्षासन की तरह प्रभाव डालता है, जिसमें हमें अगर हम सोम स्राव वाला या वहिनी मंडल का पॉइंट अगर यहाँ पे ना डिस्कस करें, अगर हम ये जनरल डिस्कशन रखें कि यहाँ पे जितनी भी ब्लड सर्कुलेशन है वो कहाँ जा रही है, सीधा नेक की तरफ जाती है, ठीक है, टूवर्ड्स ही हेड जा रही है, तो इससे क्या होगा, जितना भी ब्लड सर्कुलेशन हमारे हेड रीजन में चाहिए था जो नहीं मिल पाता ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, हमें नहीं मिल पाता, अब वो मिल पा रहा है, तो उसकी उसकी वजह से हमारी ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड की वजह से। तो CSF जो हमारे बॉडी में अच्छे से और अच्छे से प्रॉपरली काम कर पाता है, जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं ना CSF उसको निकाल के लाने का काम करता है, और जो पोषण तत्व जो होते हैं पोषक तत्व वो पहुंचाने का भी काम करता है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशन जो है ना काम नहीं करती है, जो ब्रेन पे उसके अगेंस्ट भी, जैसे कि हम सीधे खड़े होते हैं, जब हम सीधे खड़े होते हैं तो ग्रेविटेशन पुल पुश नीचे आता है ना, पुल नीचे आता है ना, जिसकी वजह से सारी चीजें नीचे की तरफ जा रही होती है, और जो हमारी लिक्विड है ब्रेन है वो सब कुछ ऊपर रहने की कोशिश करता है, वो दोनों चीजें आपस में इकट्ठे एक्ट कर रही होती हैं, तो उसको आराम मिलता है। ये जो लड़ाई हो रही है एनर्जी की, जो पुल की लड़ाई हो रही होती है, ये इसमें करने में हमारी हेल्प करता है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी बॉडी को इसमें आराम मिलता है, ठीक है, आराम भी मिलता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक होती है, फिर जो टॉक्सिन्स हैं पोषण है वो सब कुछ आदान प्रदान अच्छे से और हो पाता है, ठीक है। सारे बेनिफिट्स तो हम यहीं पर डिस्कस करने, एक बार फिर भी रीड आउट कर लेते हैं, ठीक है। इम्प्रूव करता है डाइजेस्टिव सिस्टम को, रिलीव करता है बैक पेन को, सीवियर बैक पेन भी नहीं करेंगे, रिलीव करता है स्ट्रेस को, जब ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी में बेटर होता है, और जब हम इस प्रकार का ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, जब हम अगेंस्ट का मतलब सॉरी यहाँ पे हम ये कहेंगे जो नेचुरली जो चल रहा था नीचे की तरफ पुल जा रहा था उसके अगेंस्ट, मीन्स अब वो नॉर्मल हो गया, अब समता में आ गया, इक्विलिब्रियम में आ गया, ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे आ रहा है, अब वो समता में बिल्कुल स्ट्रेट हो गया ना, यहाँ पे लाइन में ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, ठीक है, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन नीचे की तरफ जरूर आ रहा है, लेकिन इसका जो एक पोर्शन था ना, जो इसका जो अपना हेड रीजन का था वो कुछ नहीं हो रहा, वहां कुछ एक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, वो उसको आराम मिला हुआ है, ठीक है, हेड रीजन को यहाँ पे आराम मिला हुआ है, तो इसकी वजह से स्ट्रेस में हमें हेल्प होती है, ठीक है। फिर आता है मैनेज करता है डायबिटीज को, स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को, क्योंकि यहाँ पे जलनबंध की जैसा मैंने बात करी, उड़ियान जो वायु हमारी बॉडी में होती है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे उड़ियान वायु को भी हम बैलेंस कर पाते हैं, रोक पाते हैं, उसका जो वर्किंग है उड़ियान वायु की उसको हम अच्छे से कार्यशील कर पाते हैं। सॉरी, थेरेपेटिक फॉर लेग क्रैम्स, क्रैम्स जो लेग में पड़ते हैं, जैसे कि जो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में लेग की तरफ रुक जाते हैं, आ नहीं पाते ऊपर की तरफ, उसकी वजह से भी कंपन क्रैम्स पड़ते हैं, कड़वल पड़ते हैं हमारे बॉडी पे, वो भी क्योर होते हैं। फिर इम्प्रूव करता है ब्लड सर्कुलेशन को, हेल्प करता है ड्यूरिंग मेनोपॉज, ड्यूरिंग मेनोपॉज में अगेन जैसे हमने डिस्कस किया था ना, ड्यूरिंग दैट पीरियड हमें करना चाहिए। स्ट्रेंथ करता है शोल्डर को, आर्म्स, लेग्स, एनहेंस करता है फ्लेक्सिबिलिटी, किसकी, हमारी जितनी भी हमारे शोल्डर्स हैं, आर्म्स हैं, लेग्स हैं, इनकी जो इनकी स्ट्रेंथ को ये बढ़ाता है, आर्म्स की, शोल्डर्स की, इनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, आप देखेंगे इसके बाहर पे हम खड़े हैं, देखा जाए तो हमने जो बैलेंस बनाने की कोशिश करी इसके ऊपर पूरे में बैलेंस बनाने की कोशिश करी है, तो इसकी एक इनडायरेक्ट स्ट्रेंथ जो होती है, जो कहीं छुपी हुई होती है, इनेट स्ट्रेंथ जिसे हम कहते हैं, वो बाहर निकल पाती है, जैसे कहते हैं कुछ गुण हैं लेकिन छुपे हुए हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे, तो इस प्रकार के आसन से वो बाहर निकलने लगते हैं धीरे धीरे, सपोर्टेड होने लगते हैं धीरे धीरे, ठीक है। इम्प्रूव करता है ये हमारी मसल जॉइंट्स, मसल्स को और जॉइंट मोबिलिटी को, अगर जॉइंट्स हिलेंगे नहीं बार बार तो उसमें क्या आएगा, उसमें जंग लगना शुरू हो जाएगा, जैसे दरवाजे एक कब्जों में होता है, ठीक है, बहुत टाइम तक दरवाजे नहीं खोलोगे तो क्या होगा, उसके अंदर जंग लग जाएगा और वो ठीक से कार्य नहीं करेंगे, ठीक है। मेकिंग द स्पाइन मोर सपल, इजिंग मसल टेंशन, इम्प्रूव पॉस्चर्स,
एनहेंस करता है, टोन करता है स्टेमिना ऑफ द लोअर बैक मसल्स एंड स्पाइनल कॉर्ड, इम्प्रूव करता है क्या हमारी स्पाइनल नर्व्स को, इम्प्रूव उनकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है, स्ट्रेच मिल गया ना पूरा यहाँ पर, तो उसको इम्प्रूव करता है। साथ ही साथ ये हमारी जितनी भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये इम्पोर्टेंट है, जितनी भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको ये उसकी फंक्शनिंग को, वर्किंग को, सॉरी उसकी, उसको एनहेंस करता है, उसकी इम्प्रूव करता है। अगर डल है तो उसको एनहेंस करेगा, अगर एक्टिव है तो उसको एक्टिव किंग टाइम पर उसको सस्टेन रखेगा, मेंटेन करके रखेगा, उसकी वो जो भाव है उसको बनाए रखेगा पहले से उच्च स्तर पे। तो उच्च स्तर पे रहने के लिए भी मेहनत चाहिए, तो वो बना के रखेगा, ठीक है। फिर स्ट्रेच करता है इन स्पाइन, शोल्डर, बैक एंड लेग, ओपनिंग द अपर बैक एंड द चेस्ट, बैलेंस करता है थायरो ग्लैंड जो हमने पढ़ा अभी, स्टिमुलेट करता है एब्डोमिनल ऑर्गन्स को, क्योंकि मसाज हो रही है एब्डोमिनल ऑर्गन की। इसमें ब्रीदिंग का खास तौर पे ध्यान रखना है, जैसे कि हम पहली क्लास से ही जानते आ रहे हैं कि योग में अलाइनमेंट जितनी इम्पोर्टेंट है, उससे सर्वप्रथम इम्पोर्टेंट है हमारा श्वास का लेना और छोड़ना, कैसे हम आसन के अंदर आते हैं और कैसे हम आसन से वापस आके अपनी नॉर्मल पोजिशन में आते हैं, चाहे वो जैसे कि हम सीधे खड़े हैं और चक्रासन में जा रहे हैं, कैसे गए, किस प्रकार हमने श्वास को छोड़ा, ये सब कुछ मैटर करता है इसके अंदर, ठीक है। तो श्वासों की गति और श्वासों पे ध्यान जरूर देना है। अगर हम बात करें इसके और बेनिफिट्स की, तो हम क्या ध्यान देते हैं, जब हम ब्रीथिंग पे ध्यान देते हैं तो साथ ही साथ अपनी कंसंट्रेशन, या कहें कि मेंटली हम क्या सोच रहे हैं, उस पर बड़ा ध्यान देते हैं। इसलिए हम श्लोक, जितने भी श्लोक का ध्यान लगाते हैं वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर बिना श्लोक के साथ अगर आप कुछ अगर सिर्फ ब्रीदिंग ब्रीदिंग पे ध्यान दें तो वो भी अच्छा। अगर श्लोक कोई स्पेसिफिक श्लोक है, अगर पहले से बताए गए हैं, ग्रंथों में लिखे गए हैं, उन श्लोक का अगर हम उच्चारण करते हैं या ध्यान करते हैं, ध्यान किसी चीज का भी हो सकता है यहाँ पर, चाहे वो श्लोक का हो, चाहे वो चक्रास का हो, चाहे किसी एनर्जी लेवल पे हो, चाहे किसी प्राण वायु की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, किसी का भी हो सकता है ध्यान। तो जो ध्यान है किसी बीमारी पे, कोई डिजीज है उसको ठीक करना है उससे मैं, या मुझे कोई स्ट्रेंथ चाहिए या मुझे कोई पावर चाहिए उसके लिए मैं ध्यान लगा रही हूँ, मतलब वो आसन कर रही हूँ, तो वो सफल होता ही होता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए श्वासों का साथ में होना जरूरी है, ये सारा कुछ श्वासों के साथ काम करता है, ठीक है। चलो अब किसी को नहीं करना चाहिए, और अगेन बैक प्रॉब्लम जिसको भी हो, स्लिप डिस्क को नहीं नहीं करना चाहिए, सर्वाइकल मसल्स में प्रॉब्लम हो, वीक लेग्स हो, वीक हैमस्ट्रिंग्स मसल्स हो, काफ मसल्स हो, प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुएशन, हाई ब्लड प्रेशर, ब्रेन डिजीज, एनलार्ज्ड थायराइड, स्प्लीन और लीवर, जब इनका साइज पहले नॉर्मल साइज से बढ़ जाता है, वो एक एबनॉर्मेलिटी कहलाई जाती है, उस केस में नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा पड़ता है कि इंसान उछलेगा, मगर उसको पेन इतना ज्यादा होगा कि वो जंप करना शुरू कर देगा, और वो पेन फिर मेडिसिन के थ्रू या डॉक्टर के पास जाके क्लिनिकली ही ठीक करवाया जा सकता है फिर, इसलिए ऐसे केसेस में नहीं करना। सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस, हेडेक, वीक ब्लड वेसल्स इन आईज, ये इंपॉर्टेंट है, और एक ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अगर एस्थमा के केसेस में इसको नहीं करना, डायरिया के केस में सियाटिका, शोल्डर्स इश्यूज और ग्लाउकोमा, इस केसेस में नहीं करना। अगर यहाँ पे हम इसको याद नहीं रख पाते हैं तो यहाँ से याद रखेंगे तो सब कुछ याद आ ही जाएगा, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट आसन पे, सेकेंड आसन चक्रासन। चक्रासन में मीन्स व्हील पोज हो गया हमारा, चक्र बनाने की कोशिश हमने करी है, ये यहाँ से पूरा कर्व जाता है, जितना भी ये स्ट्रेच है जो आगे काफ पे, तो इतना स्ट्रेच नहीं होता जितना थाई मसल्स में, ये वाला स्ट्रेच होता है, रेयर होता है, हमारे बॉडी में नहीं होता। हम जितने भी आसन करते हैं पीछे बैकवर्ड बेंडिंग जब कर रहे होते हैं, तब ये आसन, तब ये स्ट्रेच हमें हमारे बॉडी पे नहीं महसूस होता। ये स्ट्रेच जो है अपर हाफ का, वो स्ट्रेच हमारी बॉडी में फिर भी देखा जाता है, ये अपर हाफ का स्ट्रेच तो फिर भी हमें कई आसनों में हम देख पाते हैं, लेकिन लोअर बॉडी का स्ट्रेच हम कई आसनों में नहीं देखते हैं। तो यहाँ हमें देखने को ये मिलता है, प्लस यहाँ जो कंप्रेशन आता है स्पाइन पे, ये बेनिफिट हमें क्या पहुंचाता है, हमारी स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी पे और स्पाइन की फंक्शनिंग में काफी बेनिफिट पहुंचाता है। प्लस जिसको सर्वाइकल है वो सर अंदर नहीं करेंगे, जिसको सर्वाइकल नहीं है, नॉर्मल है, वो सर को स्ट्रेट सर को अंदर करेंगे, अन्यथा वो स्ट्रेट रखेंगे। जिसको प्रॉब्लम है सर्वाइकल की, प्रॉब्लम है मतलब प्लस है मतलब प्रॉब्लम है, तो वो नेक को स्ट्रेट रखेंगे,
लेकिन जिसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं है वो नेक को अंदर की तरफ करेंगे, इनवर्ड। ठीक है, इसके अपने बेनिफिट्स है। अंदर करने से क्या होता है कि हम धीरे धीरे और हमारा चक्रासन में जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ती चली जाती है, इसलिए उसको हम इन्वर्ट करते रहते हैं धीरे धीरे, बहुत ज्यादा हम आसनों में हमारी दृढ़ता बढ़ती चली जाती है। ठीक है, एक बार इसके बेनिफिट्स को डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रेंथनिंग करता है किसमें, आर्म्स में, लेग्स में, स्पाइन में, ये तो खैर ओवरऑल बॉडी का है क्योंकि एंटी एजिंग आसन इसी को माना जाता है। ठीक है, स्ट्रेच करता है शोल्डर्स को, हिप को, फ्लेक्सर्स को, कोर को। ठीक है, कोर को यह स्ट्रेच करता है, कोर वाली चीजें हमेशा ही अद्भुत रिजल्ट देती हैं, स्पिरिचुअली भी, चक्रास के लेवल पे, एनर्जी पे भी, प्राण पे भी, वायु पे भी, सब पे। ठीक है, प्राण वायु पे मतलब सब पे ये बहुत अच्छा असर देती है जब भी कोर की बात आती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी की बात करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करती है किसमें, स्पाइन में, जो हमने भी बात करी, डीप ब्रीदिंग पे, ओपन करता है चेस्ट को, फैसिलिटेट करता है डीप ब्रीदिंग, लंग की जो इनटेक यानी कि जो टोटल लंग कैपेसिटी जो होती है वो तो मेंटेन रहेगी वैसे की वैसी है, लेकिन हम कितना यूज कर पा रहे हैं उसको इंक्रीज करता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है हमारे, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है हमारा, उसको भी हमें इम्प्रूव करता है, सर्व्स एन एक्सीलेंट आसन फॉर द रिप्रोडक्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। लंग के केस में जैसे हमने अभी बात करी, जो इनटेक है विच इज बेनिफिशियल फॉर द अस्थमा पेशेंट्स, अस्थमा पेशेंट के लिए धीरे धीरे हम अगर पहले वाले आसन नहीं हो रहे हैं, और सॉरी पहले वाले आसनों से धीरे धीरे करके हम चक्रासन तक जाएंगे, डायरेक्टली वन डे में उनको चक्रासन नहीं करवाने हैं। क्यों, पहले ये हमारी जो बैक है, लोअर बैक सॉरी अपर बैक जो है हमारी, ये वाली जो पीठ का भाग है, पीछे का थोरासिक का पीठ वाला भाग है, सर्वाइकल के नीचे से भाग जो स्टार्ट होता है, एग्जैक्टली पूरी चेस्ट, बैक ऑफ द चेस्ट जो होती है वो अगर खुली हुई नहीं होगी तो ये आसन नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे चेस्ट को ओपन करना होता है, ये ओपन होती ही नहीं है। एक यहाँ पे तो चलो आप फिर भी मैनेज कर पाओगे, लेकिन इसको मैनेज नहीं करा जाता, ये जब मैनेज नहीं होती तो इसलिए डायरेक्टली वन डे में हमें अस्थमा के पेशेंट्स को नहीं करवाना है, पहले धीरे धीरे हमने कुछ आसन करा के इनको खोलना है, फिर अस्थमा तक लेके जाना है, लेकिन एट दी एंड ये अस्थमा वाले पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा आसन है। ठीक है, स्ट्रेस में और टेंशन में काफी हेल्प करता है, आई साइड के लिए काफी अच्छा है, स्टिफनेस बॉडी में रिमूव करता है। ठीक है, किन किन केसेस में इसको ना करा जाए, जब बैक इंजरीज होगी और बॉडी में कहीं भी इंजरी आ जाएगी, वो हार्ट प्रॉब्लम आएगी तो उसमें तो बिल्कुल ही नहीं करना, हाई और लो ब्लड प्रेशर में बिल्कुल नहीं करना, लो ब्लड प्रेशर में इंसान चक्कर खा के नीचे गिर जाएगा, ब्रीदिंग रेट उसका हाई हो जाएगा, इतने चक्कर आएंगे हो सकता है उसको मेडिसिन लेनी पड़ जाए, मेडिसिन ना भी लेनी पड़े लेकिन आपके हाथ में आपके कंट्रोल में वो कंडीशन आएगी या नहीं इस पे कहना डाउट है। और हाई ब्लड प्रेशर में तो वैसे हमें पता है कि वो तो इतना ज्यादा बड़ा केस है कि यहाँ तो मेडिसिन भी काबू नहीं कर पाती है। ठीक है, हर्निया केस में एल्बो पेन, स्लिप डिस्क, वर्टिगो, डायरिया, वीक रिस्ट एंड अनस्टेबल शोल्डर पेन। वीक रिस्ट का मतलब ये होता है जो लोग अभी हैंड स्टैंडिंग वगैरह नहीं कर पाते हैं, एकदम से आप उन्हें करा देंगे तो उनके हाथ पांव कांपेंगे, स्पेशली हाथों में दर्द होनी शुरू हो जाएगी, कांपेंगे, तो अगर सूक्ष्म व्यायाम के थ्रू पूरा अगर आप प्रॉपर योगिक चैनल जो सिस्टम है, लेवल्स है हमारे, उसके थ्रू करेंगे तो धीरे धीरे इस आसन में पहुंचना आसान हो जाता है। वीक बैक, आई, एनी इलनेस, फीवर आफ्टर द एब्डोमिनल सर्जरी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड व्हेन फीलिंग जनरली वीक एंड टायर्ड, इन केसेस में हमें नहीं करना। फीवर का केस जरूर याद रखिएगा, और पटाइको का याद कर सकते हैं, और हाई एंड लो ब्लड प्रेशर, ये क्वेश्चन आने वाली संभावना होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर्वांगासन। सर्वांगासन में क्या करते हैं हम, ये तालासन की तरह ही है, बस इसमें यहाँ पे हमें बेंडिंग नहीं कर रहे हैं, ये जो आसन है ये बिल्कुल ही उल्टा आसन हो गया हमारी ग्रेविटी के हिसाब से, जहाँ हम खड़े होते हैं तो ग्रेविटी की वजह से हमारा सारा सर्कुलेशन इस तरफ जा रहा था, अब क्या हो गया, इसने बिल्कुल उल्टा कर दिया और ये सारा सर्कुलेशन नीचे की तरफ आ गया। ये बहुत अच्छा आसन है, एंटी एजिंग भी इसमें होती है, प्लस हमारी जो फंक्शनिंग है, हमारी ब्रेन की वर्किंग है, फिजियोलॉजिकल वर्किंग हमारी बॉडी की है, वो टोटली एनहांस कर जाती है टू टू। ठीक है, बीमारियों में और कोई स्ट्रेस है सब में ये बहुत अच्छा हेल्प करती है। चलिए इसको समझते हैं एक बार, इसके बेनिफिट से सपोर्ट करता है हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट को, थायराइड हेल्थ को भी, पैराथायराइड हेल्थ को भी, और गुड होता है वेरिकॉस वेन्स के लिए। देखिए अभी तक तो किसी में इतना कुछ नहीं आया था,
सारे बेनिफिट्स इसी में आने शुरू हो गए। फिर कहते हैं एक्टिवेट करते हैं थ्रोट चक्रा, इसको जरूर लिखिएगा, ये एग्जाम है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। इम्प्रूव करता है ब्लड सर्कुलेशन एंड डाइजेशन, बूस्ट करता है मेटाबॉलिज्म, ये हम सबको पता है, इतना तो पता है। जो चीजें थोड़ी नहीं पता उस पर ध्यान देंगे, कौन कौन सा, थायराइड, पैराथायराइड, वेरिकोस वेन्स, हाइपरटेंशन, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बूस्ट करता है मेटाबॉलिज्म, ये याद रख सकते हैं क्योंकि आता तो है ही, ये सबके क्वेश्चन बनते ही हैं। रिजुवेनेट करता है बॉडी को, इम्प्रूव करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को, बैलेंस करता है, मेंटेन बैलेंस पॉस्चर्स, बैलेंस मेंटेन अ बैलेंस एंड द पोस्चर, क्योंकि कोर एरिया में यहाँ हमारा काम हो रहा है मेजरली, हमें ये चीज स्ट्रेंथ जो ये मेंटेन करनी है स्ट्रेट, ये काम करता है। ड्यूरिंग इंसोमिनिया, डायबिटीज, एस्थमा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, अभी तक इंसोमिनिया हमारा कॉन्ट्रा इंडिकेशन के अंदर आ रहा था, लेकिन इसमें यहाँ पर राइट इंडिकेशन के अंदर आ रहा है। राइट से मीन्स ये हम कर सकते हैं, राइट फ्लैग, ग्रीन फ्लैग की तरफ है ये। इम्प्रूव करता है बॉडी पॉस्चर्स को, कॉग्निटिव एबिलिटी, कॉग्निटिव एबिलिटीज मीन्स इंटेलिजेंट एबिलिटी, स्किलफुल, यानी कि जिसमें जो भी पढ़ने की क्षमता है, चीजों को समझने की क्षमता है, उसको बढ़ाता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन वहां पर पहुंचने लग गया ना, अब एक्टिविटी अच्छे से हो पाएगी, अच्छे से हो पाएगी मीन्स स्वस्थ था ब्रेन, अब ब्रेन एक्टिव हो गया, ठीक है, पहले पैसिव काम कर रहा था, अब एक्टिव काम करेगा, ठीक है। फिर करता है क्या, फिर ये हमारी डिमिनिश करता है, डिमिनिश इन द इन हियरिंग, अगर किसी के कान खराब होने की कगार पे है, जैसे आज की डेट में बहुत बार हर वक्त हम अपने कानों में हमें लीड लगानी पड़ती है, ब्लूटूथ लगाने पड़ते हैं, एक्सेस ऑफ यूज ऑफ जितना भी आप कहेंगे रेज है, मोबाइल, ये वो, इन सब चीजों को हम यूज करते हैं, उनसे भी छुटकारा पाने के लिए, छुटकारा मीन्स उनके जो टॉक्सिसिटी हमारी बॉडी में आई है उनको भी ये दूर करता है, स्पेशली हियरिंग में, स्पेशली हियरिंग, क्योंकि हियरिंग के टाइम पे हियरिंग हमारा बहुत ज्यादा इस टाइम पे अफेक्ट करता है, ठीक है, अभी नाउ डे से गुजर ही कर रहा है। इम्प्रूव करता है पावर ऑफ स्पेलिंग इन द नोज, क्योंकि सर्वाइकल एरिया हमारे यहाँ एक्टिव कर रहा है, नोज सर्वाइकल एरिया, यहाँ पे हमारा हेड रीजन हमारा अच्छे से काम कर रहा है, स्पेशली द सेरिबेलम, छोटा ब्रेन जो हमारा काम कर रहा है। और दूसरा यहाँ पे ना हमारे नोज को एक अच्छा खासा एक स्पेस, एक स्पेस में नहीं बोलूंगी मैं, मेजरली यहाँ पे सेरिबेलम हमारा अच्छे से काम कर रहा होता है। सेरिबेलम जो होता है एक प्रधानता है नोज की अपनी खुद की, ठीक है, प्राइमरी है, सेकेंडरी ब्रेन उसमें काम करता है, यहाँ पे ना ब्रेन ब्रेन एक्टिव हो जाता है, जो रही सही कसर होती है नोज की काम करने की कार्यशीलता में, उसको बढ़ा देता है, जो उसने नहीं भी कार्य करे तो उसके लिए भी उसको कार्यशील करता है, मतलब छुपे हुए गुण बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जो नोज की जो हम बात कर रहे हैं ना, इसमें थेरेपी वाइज भी हमारा काम करता है, जिन लोगों की सोचने की समझने की शक्ति थोड़ी कम होनी शुरू हो जाती है, याददाश्त में फर्क आ जाता है, वहां नोज और स्पेलिंग का काम बहुत अच्छा काम करता है, मतलब बहुत अच्छा रोल निभाता है उसके अंदर। प्यूरिफाई करता है ब्लड को, हेल्प करता है वेट लॉस में, हम सब जानते हैं ब्रीथ करने में क्या होता है, हमें भूख ज्यादा लगती है, अगर खाना ज्यादा प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा प्रॉपर नियमित रूप से, अगर प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी ये सब हमारी बॉडी को खुद को खाने शुरू कर देगी, बताया ना कि वहिनी मंडल हमारा ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, इस वजह से हमारी बॉडी बहुत ज्यादा खाने लगती है अपने आप को, इसलिए खाना प्रॉपरली हमारी बॉडी को मिलना चाहिए, ठीक है। ये विपरीत करनी आसन का ही भाई बहन है, ठीक है। स्लिप डिस्क के केस में हम इसको नहीं करेंगे। एक्यूट थायराइड प्रॉब्लम, अब मेडिसिन पे बात पहुंच गई हो, कई साल हो गए हैं, एक होता है मेडिसिन पे बात तो है पर लेकिन फिर भी कंट्रोलेबल लेवल पे है, क्योंकि शुरुआत में कुछ लोग मेडिसिन स्टार्ट कर लेते हैं, वेट नहीं करते या ट्राई नहीं करते, क्योंकि उस केस में उनको छोड़ के बाकी जिस केस में कि बहुत ज्यादा बिगड़ गया है, स्वेलिंग रहती है, ये बहुत ज्यादा अभी अंडर कंट्रोल नहीं आ पा रहा, उन केसेस में हम इसको क्या करेंगे, उसको नहीं करेंगे, एनलार्ज्ड थायराइड के केस में नहीं करेंगे। और एक्यूट में प्रॉब्लम आ जाती है मींस एक्यूट मतलब एक्सट्रीम लेवल किसी भी चीज का, कि हाइपर है तो हाइपर, हद से ज्यादा हाइपर हो गया, हाइपो है तो मतलब हद से ज्यादा हाइपो हो गया, दैट इज द एक्यूट कंडीशंस, ठीक है। एनलार्ज का मतलब हो गया स्वेल, स्वेल कर गया है, वो बढ़ गया है साइज में, बढ़ गया, स्वेलिंग हो गई है उसके अंदर। एनलार्ज लीवर स्प्लीन के केस में नहीं करेंगे, स्पॉन्डोलाइटिस के, स्पॉन्डोलाइसिस के केस में नहीं करेंगे, इवन लीवर एब्सेस के केस में भी नहीं करेंगे, ठीक है। फिर आता है हाई ब्लड प्रेशर के केस में नहीं करेंगे, नेक शोल्डर और बैक इंजरी के केस में नहीं करेंगे, हार्ट प्रॉब्लम के केस में नहीं करेंगे, ठीक है।
हार्ट, ये बात तो हम वैसे हम समझ जाते हैं हमेशा, जहां भी ब्लड सर्कुलेशन एक्सट्रीम है हमारी हार्ट की तरफ आ रहा होता है उससे, वो तो आसन हमने कभी हाई बीपी वालों को तो वैसे करवाना ही नहीं है, ठीक है ना। चले आगे बढ़ते हैं, मत्स्य आसन है, मछली आ गई, क्यूट सी मछली आ गई, अभी हम मछली बनेंगे यहाँ पे। इस मछली का सबसे अच्छा रोल जो है, बहुत अच्छा, जो हम कहते हैं बेस्ट, जो हम ज्यादा माना जाता है किसके लिए, सर्वाइकल के लिए, ये आसन सबसे सर्वाइकल के लिए माना भी जाता है। दूसरा, जब हमें अपने चक्रात के ऊपर काम करना होता है, स्ट्रेस के ऊपर काम करना होता है, डिप्रेशन के ऊपर काम करना है, किसी नर्वसनेस के ऊपर काम करना है, या फिर किसी रुके हुए इमोशंस के ऊपर काम करना है, स्पेशली व्हेन द वन इज फीलिंग बर्डन, किसी को बर्डन जैसा फील होता है अपनी लाइफ में, और किसी को या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उठा उठा के बहुत ज्यादा थक गए हैं इस प्रकार का, या फिर आप कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अलावा, या फिर आप कह सकते हैं सिटिंग आवर्स बहुत है, पढ़ाई वाला काम बहुत ज्यादा है, उस केस में ये आसन लाइक एक ग्रीन फ्लैग है, कहूंगी बहुत अच्छा आसन है, जिससे बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, रिलीफ बहुत मिलता है इससे, ठीक है। इसमें एक और छोटी चीज हम लेते हैं, अगर अगर इस यही अगर पोस्चर हम बनाए, ये वाला पोस्चर बनाए, देखिए इसमें लेग स्ट्रेट कर लें, ठीक है, थोड़ा सा वो सुप्त जैसा हो जाता है ना, सेतु बंधन की तरह हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन पैर सीधे रखें, जितना मेंटेन होता है उतना मेंटेन करें, अगर पैर फोल्ड नहीं होते हैं तो, ठीक है, पर अभी हम सिर्फ पैर फोल्ड वाला ही समझेंगे, ऐसा ही समझेंगे, एग्जैक्टली यही याद रखेंगे, ठीक है। तो रहते राउंडेड शोल्डर जो हो जाते हैं, जिनके जो होते हैं ना आगे स्लाउच करके ज्यादा बैठते हैं, थके हुए, बिल्कुल ऐसे थके हुए, बात भी करे तो भी थका हुआ लगेगा उनको, एक्टिव बात करनी तभी थके हुए बैठे रहेंगे, वो वाली जो राउंडेड शोल्डर की प्रॉब्लम्स होती हैं वो खत्म करती है। इनफैक्ट इस केस में जिन लोगों को हंच निकल जाता है, कुप निकल जाता है, कुप कहते हैं ना, ये ऐसे स्पाइनल कॉर्ड है, ये सर्वाइकल मान लीजिए, ये सर्वाइकल है ना, ठीक है, यहाँ एक ऐसा बल्ज सा निकल जाता है, कुप सी निकलनी शुरू हो जाती है, तो मैंने बहुत ज्यादा दिखाया है समझाने के लिए, पर वो स्टार्ट हो जाता है, इतना हल्का सा निकलेगा, इतना सा निकलना शुरू हो जाएगा, फिर बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा बढ़ जाता है वो, फिर ये सर्जरी के माध्यम से ही ठीक होता है, अगर बढ़ जाए बहुत ज्यादा तो वो ठीक नहीं होता। तो राउंडेड शोल्डर तो और उस हंच के लिए कामयाब है। अस्थमा का केस में स्पास्म ऑन द ब्रोंकाइल टिश्यूज, स्पास्म से मतलब क्या हुआ, ब्रोंकाइल ट्यूब जो ना प्रॉपरली काम नहीं कर रही, उसमें ना एक तरह की दर्द, या ये कहें कि प्रॉपर फूल नहीं पा रहे, प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही, जो अंदर की एल्वोलाइज है, सॉरी जो अंदर की टिश्यूज है, अदर रेस्पिरेटरी इश्यूज जितने भी होते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है, इम्प्रूव करता है ब्रीदिंग में, इम्प्रूव करता है पॉस्चर में, जैसे मैं पॉस्चर की बात मैंने अभी करी ही है, ऐसे पॉस्चर्स में काफी हेल्प करता है, काइफोसिस के लिए स्पेशली बहुत अच्छा है ये, काइफोसिस में पॉस्चर्स में हम काइफोसिस के भी लिख सकते हैं। फिर आता है स्ट्रेंथ करता है नेक, एब्स, थाइज, इसके लिए बहुत अच्छा है, जिन लोगों का एक जिद्दी फैट होता है ना यहाँ पर लोअर बेली वाला, उसके लिए बड़ा कामयाब, एक बिल्कुल ही रामबाण की तरह काम करता है। हम कहते हैं हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा, वेट लॉस नहीं हो रहा, आप ये आसन करके देखिए, इसमें सोने की कोशिश कीजिए, सोने का मतलब थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन, इसको होल्ड करने की कोशिश कीजिए, इसमें ब्रीथिंग रेट अपना स्लो और स्टेडी रखिए, तो आप करके देखिए एक बार ये वाला आसन, वाकई में ये आसन वंडरफुल टेक्निक की तरह, एक कहेंगे कि वंडर्स की तरह काम करता है, बहुत जल्दी इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं, जल्दी से मीन्स मैं ये नहीं कहूंगी एक हफ्ते के अंदर रिजल्ट मिलते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार में तो एक दो हफ्ते में हमें रिजल्ट दिखने शुरू हो जाते हैं, कुछ जिद्दी जो फैट होता है ना हमारी बॉडी में चक्रासन, और इससे निकालने में आसानी होती है, जितनी बैकवर्ड बेंडिंग हम करेंगे ना जिद्दी फैट निकलना शुरू हो जाएगा बॉडी में से, जितनी भी आप बैकवर्ड और फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे, फॉरवर्ड में कम निकलता है क्योंकि वो बॉडी कहीं ना कहीं झुकती है आगे की तरफ, जनरली झुकती रहती है, लेकिन जब हम उसको बैकवर्ड की तरफ घुमाते हैं ना, यहाँ तो बॉडी घूमती नहीं है इतना, और इसके लिए फैट उसको बर्न करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन ही नहीं है उसके पास, ठीक है। तो इसलिए बैकवर्ड बैंडिंग के जितने भी आसन है अगर आप कर सकते हैं, कंडीशन अलाउ करती है, तो अगर वेट लॉस में देखना चाहते हैं तो बैकवर्ड बैंडिंग पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है, डिपेंड ऑन द बैलेंसिंग एज वेल, कितना बैलेंस इंसान बता रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रिलीव करता है स्ट्रेस को, एब्डोमिनल फैट रिलीव करता है, स्टिम्युलेट करता है क्या, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, इम्प्रूव करता है डाइजेशन, हेल्पिंग मेटाबॉलिज्म, इम्प्रूव मसल स्ट्रेंथ, बोन स्ट्रेंथ, ये इम्पोर्टेंट है, और रेगुलेट करता है फ्लो ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन द वुमेन, बहुत हेल्पफुल है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनफैक्ट मैंने कई अपने लोगों को अपने चिकित्सा करवाया है, तो उसमें पता चलता है जिनको
मीन्स इसमें काफी ज्यादा पेन रहता था, इवन फॉर द इनिशियल जो यंग गर्ल्स है और जो दोज हु हैव ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम दिस फ्रॉम द पास्ट 10 to 15 years, या तो उनको डिले होता था मेंसेस में, उनको पेन एक्सट्रीम रहता था, इस आसन के बाद में धीरे धीरे डिफरेंस आने शुरू हुए हैं। हालांकि और भी आसन के सेट्स करवाते हैं तो इस आसन से बहुत अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा है। फिर हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काफी कामयाब है, जो लोग कंसीव नहीं कर पा रहे, कंसीव करने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए ये स्ट्रेस हटाकर अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एनहेंस करना, उसकी कैपेसिटी को, उसकी आ, आ, उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको अच्छे से एनहेंस करना, वो कार्य ये इस आसन से हमारा बहुत अच्छे से होता है। किससे, क्या नाम है हमारे इस आसन का, मत्स्य आसन, ठीक है। ऐड करता है क्या, इम्यून, सॉरी एडिंग द इम्यून सिस्टम, एडिंग द इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम यानी कि वाइट ब्लड सेल्स के लिए दिमाग अच्छे से कार्य करता है, इम्प्रूव करता है हमारे ब्लड सर्कुलेशन इन द बॉडी, इम्प्रूव द फंक्शनिंग ऑफ द लीवर, एब्डोमेन, पेंक्रियास एंड द इंटेस्टाइन, इनकी फंक्शनिंग को बहुत अच्छे से एनहांस करता है, क्योंकि हमारा एब्डोमिनल एरिया स्ट्रेच करता है, स्ट्रेंथ करता है अपर बैक को एंड बैक ऑफ द नेक, बैक ऑफ द नेक जैसे मैंने कहा सर्वाइकल किसी को है तो उसको ये आसन उसके लिए बहुत अच्छा है, अगर वो ये आसन कर ही नहीं सकते और भी बहुत सारी कंडीशन से नहीं कर सकते तो बेड पे लेट के हम पीछे की तरफ सर जो लटका लेते हैं ताकि हवा में थोड़ी देर नीचे की तरफ जमीन की तरफ हमारा पैर थोड़ा, सॉरी सर हमारा थोड़ी देर लटका रहे, वो कुछ इस प्रकार की सिचुएशन बन जाती है, जो हेड रीचिंग की सिचुएशन है वो कुछ इस प्रकार की बन जाती है, तो वो भी उनके लिए बेनिफिशियल होती है, ठीक है। वो यहीं से निकाला गया है, जो नहीं कर सकते तो इस वाले आसन का वो एक तरीका निकाला गया है, ठीक है। फिर रिड्यूस करता है स्टिफनेस, सॉरी रिड्यूस करता है स्टिफनेस इन द मसल्स अराउंड द सर्वाइकल थोरेसिक एंड द लंबर रीजन, स्टिफनेस जितनी भी स्टिफनेस है इंटरकोस्टल मसल्स के अंदर स्टिफनेस है, या फिर आपकी थंबर सॉरी लंबर एरिया में है, चाहे एब्डोमिन रीजन में है, ऑब्लिक मसल्स में है, या रेक्टस मसल्स में, कहीं पे भी। स्ट्रेंथन द लंग्स, लंग्स को एनहेंस करता है, उसकी कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है, ठीक है। ये किसी केस में नहीं करना चाहिए, इंसोमनिया के केस में नहीं करना चाहिए, माइग्रेन हेडेक इस केस में नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं आरामदायक वाले आसन है। इस केस में हमें इंसोमनिया इसलिए नहीं करना, तो इंसोमनिया मतलब पहले से डिस्टर्ब बैठा हुआ था, बहुत से सॉरी बहुत से जीरो से वो बहुत डिस्टर्ब बैठा हुआ था, तो इसलिए जैसे वो इंसोमनिया जैसे इंसोमनिया केस में ऐसे आसनों को ना तो वो कर पाएगा, दूसरा चिड़चिड़ाहट अलग से रहती है, ठीक है। माइग्रेन हेडेक हो गया, हाई एंड लो प्रेशर के अंदर नहीं करना, नेक और लो बैक इंजरीज के केस में ग्लूकोमा, और हाई हो गया माइग्रेन, रिपीट हो गया ये वाला, ये वाला रिपीट हो गया, ओके। फिर डिजीनेस और सर्वाइकल स्पाइन प्रॉब्लम में पेप्टिकल से सीवियर अस्थमा, हर्निया, वर्टिगो, नोसिया, सीवियर लोअर बैक पेन, आई एंड ईयर इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के केस में जो होता है ईस्टर्न ट्यूब में भी काफी असर आता है, प्लस हम इसमें नेक को ना पीछे की तरफ घुमा रहे हैं तो ये यहाँ पे पेन को हो सकता है बिगाड़ दे, तो ना हमें नहीं करना चाहिए। स्वेलिंग भी आ जाती है ना कभी कभी, और प्लस इन्फेक्शन को बाहर ड्रेन आउट करना है तो कार्य प्रॉपरली नहीं हो पाते हैं। नॉट एट 8+ वीक्स पोस्ट डिलीवरी, एटलीस्ट 8 हफ्तों तक पोस्ट डिलीवरी के बाद नहीं करना है। फिर आता है एनी कंडीशन दैट मे डिस्टर्ब द एनर्जी ऑफ द बॉडी, एनर्जी ऑफ द बॉडी किसी भी सेंस में डिस्टर्ब हो सकती है, चाहे वो काम करने की वजह से हो, चाहे किसी दुख दर्द या इमोशनल स्ट्रेस की वजह से हो, या बस वैसे ही आपकी बॉडी में कुछ एनर्जी का लेवल डिस्टर्ब हुआ हुआ है, जब तक आप उसको नॉर्मल नहीं करोगे तब तक उस केस में इसको नहीं करना है, ठीक है। ऑल हार्ट डिजीज के केस में, स्पाइनल इंजरीज, बैक प्रॉब्लम, सीवियर आर्थराइटिस के केस में इसको कतई परफॉर्म नहीं करेंगे। चलिए लास्ट करते हैं इसका, शवासन, इसमें 6 है सॉरी, शवासन सेकेंड लास्ट, शवासन इस कॉर्पस, कॉर्पस मतलब लाश, इस केस में करके शव हो गया ना, लाश, लाश वाला आसन मीन्स लाश के नुमा जैसे हमारी बॉडी हो जाती है, इसमें ना तो कोई हम जान को हम महसूस करना चाहते हैं, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ एक जैसा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इससे हमें फायदा क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, रिलीज करती है स्ट्रेस को, फटीग को, डिप्रेशन को, टेंशन को, कहने की बात है हम शवासन करें, हम प्रैक्टिकल में बड़े खुश हुए कहते हैं, जो कहते हैं प्रैक्टिकल में कि कुछ आसन करके दिखाइए, कोई भी आप आसन परफॉर्म करिए, तो सबके मुंह पे एक ही नाम होता है कि हमारा फेवरेट आसन शवासन, लेकिन शवासन करना सबके बस की बात नहीं है।
बहुत सारे लोग, नियरली 99% लोग शवासन गलत करते हैं। कैसे करते हैं शवासन को? जब हम हाथ की हथेली हमारी अपवर्ड्स होनी चाहिए, बॉडी को लूज छोड़ना ही सबसे मुश्किल काम है। आप कभी लेट कर देखिएगा, आपसे अपनी बॉडी पे कनेक्शन या कनेक्टिविटी, या कहें कि ये कंट्रोल हमेशा रहेगा ही रहेगा, उसी को ही नहीं छोड़ा जाता, वही सबसे बड़ा कल्प्रिट है। मैं कहूँ हाथ ऊपर रखो, पैर साइड में रखो, नेक को एक साइड पे रखो, ये सब कर लेंगे, तो जो 99% गलती क्या कर रहे हैं, वो अपनी बॉडी पे कंट्रोल बनाए बैठे रहते हैं, बॉडी को लूज ही नहीं छोड़ते। यही सबसे बड़ी वजह है कि शवासन वो लोग नहीं कर पाते, और 1% लोग होते हैं जो शवासन को प्रॉपरली शवासन की तरह कर पाते हैं, क्योंकि शवासन में कंट्रोल नहीं होता बॉडी पे, लाश का किसी अपनी किसी भी अंग पर ऑर्गन पर कंट्रोल नहीं है। तो हमें वो कंट्रोल धीरे 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 क्या, हमें वो कंट्रोल को छोड़ना है। इसीलिए योग निद्रा साकार होती है, इसीलिए शवासन इतना साकार है। योग निद्रा जब करवाई जाती है तो अनकॉन्शियसली अपने माइंड एक्टिवेट किया जाता है, ताकि आप सक्रिय रहें, माइंड फुल्ली काम करें, और जो कि ब्रेन वेव्स हैं वो अच्छे से आपको रिपेयर भी करें और आपको आगे सोचने के अग्र बनाएं। ठीक है? अच्छा, तो ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है कंसंट्रेशन को, इंसोमनिया को क्योर करता है। पहला आया है अभी तक, नहीं एक और आया था इंसोमनिया को कोर करने, क्योर करने के लिए, है ना? नहीं, दो आ चुके हैं अभी तक जो इंसोमनिया को क्योर करते हैं। काम करता है माइंड को, इम्प्रूव करता है, इम्प्रूव करता है किसको, मेंटल हेल्थ को। ठीक है? फिर आता है स्टिम्युलेट करता है ब्लड सर्कुलेशन को, प्रमोट करना बेटर स्लीप, इम्प्रूव मेमोरी, वेरी इंपॉर्टेंट, स्लीप के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, ब्लड सर्कुलेशन में लोअरिंग द ब्लड प्रेशर, किसी का हाई ब्लड प्रेशर रहता है उसको लो करने में बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि बॉडी बड़ी कंस्ट्रिक्ट रहती है, स्ट्रेच रहती है। स्ट्रेच तो मतलब खिंच खिंची सी रहेगी, या तो कॉन्ट्रैक्ट रहेगी, कुछ कुछ एरिया में रिलैक्स रहेगी, रिलैक्स तो बहुत क्या कम ही रहती है हमारी बॉडी, रिलैक्स तो होती ही नहीं है, वरना शवासन कितनी सन से लग जाए। तो ये हमारी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर उसको लो करने में हेल्प करता है, किसी का हाई ब्लड प्रेशर है तो। हेल्पिंग टू रिस्टोर द बॉडीज नेचुरल टेम्परेचर, टेम्परेचर जो हमारी बॉडी का होता है, एक होता है होमोस्टेसिस, एक होता है हेमियोस्टेसिस। ठीक है? होमोस्टेसिस होता है जो किसमें काम आता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में। बॉडी का टेम्परेचर अगर मेंटेन नहीं होगा, अगर अंदर का वातावरण थोड़ा सा गर्म नहीं होगा, तो वो बाहर के वातावरण से अपने को बैलेंस नहीं कर पाएगी। अंदर के जो ऑर्गन्स को जो गर्माहट चाहिए काम करने के लिए, वो गर्मा जो उठना चाहिए हमें, जो हम अग्नि कहते हैं, अग्नि अलग अलग प्रकार की अग्नि है ना हमारी बॉडी में, पर ओवरऑल एक अग्नि होती है हमारी बॉडी में जो गर्माई कहीं ना कहीं रखती है, उसका नाम तो कोई नहीं है, तो वो गर्माई रहती है हमारी बॉडी में। तभी गर्म हवा निकलती है, गर्म यूरिन हम पास करते हैं, अगर वॉमिट करेंगे तो वो थोड़ी सी गर्म आएगी, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस दिखेगा हमें, ऐसा नहीं उबलती हुई आ रही है, पर लेकिन डिफरेंस दिखेगा हमें, किसके अंदर, टेम्परेचर के अंदर डिफरेंस दिखता है। इसी टेम्परेचर की वजह से हमारा डिफ्यूजन हो पाता है, डिफ्यूजन हो पाता है, और फ्यूजन हो पाता है हमारी बॉडी में, टेक प्लेस करता है, ब्लड का जो मूवमेंट है वो हो पाता है, पंच प्राण जो है आपस में डिवाइड हो पाते हैं। यही रीजन, काफी सारे रीजन इसकी वजह से अराइज करता है, किसकी वजह से, होमोस्टेसिस की वजह से, यानी कि टेम्परेचर की वजह से। कौन मेंटेन करता है टेम्परेचर को हमारी बॉडी में, हाइपोथैलेमस। ठीक है? स्टेबलाइज करता है नर्वस सिस्टम को, हमारी ब्रीथिंग रेट को नॉर्मल नेचुरल बनाने की कोशिश करता है। जो हम कभी भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सोच रहे हैं, कभी किसी का बुरा सोचा, कभी किसी से जलेसी करी, कभी किसी का अच्छा सोचा, तो कभी रोना आ गया, तो हर केस में हमारी जो बॉडी का जो जो रिदम है हमारी ब्रीदिंग का और ब्लड सर्कुलेशन का, वो कहीं ना कहीं बिगाड़ा हुआ होता है। तो जब हम अनकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, या अनकॉन्शियस स्टेट में होते हैं, जहाँ हम कंट्रोल नहीं करते हैं, उस स्टेट में सारी चीजें धीरे 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 नॉर्मल आनी शुरू हो जाती है। एक सोना इसलिए हमारे लिए रिपेयर का काम करता है। तो ये जो सोना है, ये जो कॉर्पस सोज है, ये हम एक तरह से देखा जाए तो हम सो नहीं रहे, पर सोने से पहले की अवस्था है, पर अगर सोया इस तरह से जाए, इस प्रकार से जाए, तो 2 घंटे और 1 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। इसलिए योगी 2 घंटे और 1 घंटे में अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें ब्रेन वेव्स का ही सारा काम होता है, धीरे धीरे उस तक पहुंच जाते हैं, एकदम से नहीं पहुंचा जाता, इट विल टेक ईयर्स, कई सालों की मेहनत है वहां तक पहुंचने की। ठीक है? फिर पीपल हु आर नॉट, जिनको नहीं करना, पीपल हु आर नॉट एडवाइज टू लाई ऑन देयर बैक, जो पीठ के बल लेट ही नहीं सकते, और डॉक्टर ने मना किया कि स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, हर्निएटेड डिस्क हुई हुई है,
या सियाटिका की प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही सीवियर हो गई है, आप मेडिसिन ले रहे हो, आप सीधे नेगलेक्ट हो गए, या वैसे ही आपको खुद से भी कमर में दर्द हो रही थी, आप नहीं ले पा रहे हो। फिर सीवियर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, सीवियर एसिडिटी में क्या होता है ना, सीधा ऊपर की तरफ शूट करेगी, रिफ्लेक्स मारेगी, एसिड रिफ्लेक्स ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर एसिड रिफ्लेक्स ऊपर की तरफ जाएगा, हार्ट की तरफ जाएगा, अगर टूवर्ड्स दी हार्ट अगर एसिड रिफ्लेक्स जाएगा लेटने पे, ये नहीं करती, ये करती है, ये बॉडी है या हार्ट है मुझे, तो ऐसे यहाँ पे जब अगर रिफ्लेक्स मारेगा ना ऊपर की तरफ, ऐसे रिफ्लेक्स मारेगा, इससे क्या होगा, इससे जलन होगी, जलन ये कुछ भी लीड कर सकती है, या तो लंग्स चली जाएगी, नहीं तो हार्ट बर्न करते हुए, हार्ट बर्न कैसे करेगा, जो हमारे ईसोफेगस है ना, पहले उसको उसको जलाएगा, एक्सट्रीम लेवल की बात कर रही हूँ मैं, बार बार सीवियर केस में, तो इसको जलाएगा, इसको जलाएगा सीवियर, यानी कि ईसोफेगस को जलाएगा, ईसोफेगस का तो विंड पाइप को जला देगा, ये जलाता हुआ आगे की तरफ पहुंच जाएगा, इतना सीवियर लेवल होता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम अपने हाथ में नहीं ले सकते जो हमारी बॉडी में है, जितना हमारी बॉडी में एसिडिक एचसीएल बैठा हुआ है पेट में, उसको हम टच नहीं कर सकते, हमारा हाथ जल जाएगा, और जो लाइनिंग हमारी इसोफेगस की होती है वो अच्छी लाइनिंग होती है, लेकिन वो फिर भी एचसीएल को कैरी करने के लिए नहीं बनी हुई, वो लाइनिंग जो पेट की लाइनिंग है जितनी मोटी परत म्यूकस की वहां है, वो उसके लिए पर्याप्त तो सही है, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। फिर आता है जैसे सीवियर रेस्पिरेटरी कंडीशंस के अंदर ही हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि सीवियर रेस्पिरेटरी कंडीशंस के अंदर सांस लेने में मुश्किल हो जानी शुरू हो जाएगी, बॉडी को आप इतना अनकंट्रोल नहीं कर सकते, उसके अंदर बॉडी के अंदर कंट्रोल हमें कहीं ना कहीं चाहिए होता है, क्योंकि पहली श्वास अंदर नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, कोल्ड और एलर्जी के केस में इसको नहीं परफॉर्म करना है, क्योंकि ब्रीदिंग के ऊपर काम कर रहा है ना मेजरली है, तो ऐसे केसेस में अगर किसी को पहले से इन्फेक्शन है, प्रॉब्लम है, तो वो नहीं परफॉर्म करें इसे। सेकेंड आता है पीपल इंजरीज विद इंजरीज और पेन इन द स्पाइन, हिप्स एंड थाई, बैक ऑफ द थाई, थाइस के पीछे वाला, यानी कि हमारा कौन सा आता है हैमस्ट्रिंग वाले एरिया में, अगर कोई प्रॉब्लम है तो परफॉर्म ना करें इसे। पीपल इन देयर थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी इसको परफॉर्म ना करें, थर्ड ट्राइमेस्टर में हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो थोड़ी सी यूं हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है ऐसे ऐसे हो जाती है, जो कर्व है ना वो ज्यादा आगे की तरफ निकलना शुरू हो जाता है, ऐसे हमारी स्पाइनल कॉर्ड का जो पेनफुल होता है उनके लिए, धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है, पर डिपेंड कंडीशन टू कंडीशन, पर जनरली हम कहते हैं ज्यादा हो जाता है तो उनके लिए सीधा लेटना गलत ही होता है, ठीक है, और भी रीजन है इसके अलावा, पर मेजर यही रीजन प्राइमरी माना जाता है। सेतु बंध आसन, ठीक है, सेतु बंध आसन में ब्रिज, ब्रिज को बांध लिया हमने, ब्रिज को साध लिया हमने, से ये एक तरह का ब्रिज है ना, यहाँ आँख बना हुआ है, ब्रिज कैसा होता है, ऐसे ही होता है ना, यहाँ से यहाँ एक आँख सा बना रखा होता है, जनरली यहाँ से यहाँ स्ट्रेट कभी नहीं जोड़ते, स्ट्रेट क्यों नहीं जोड़ते, जनरली यहाँ थोड़ा सा कर्व रखते हैं इसको, थोड़ा सा कर्व रखते हैं, और फिर हम एक ब्रिज को जोड़ते हैं यहाँ से, एक इस वजह से जोड़ते हैं कि जब हम इसको ऊपर की तरफ यहाँ से यहाँ स्ट्रेट जोड़ने की कोशिश करते हैं ना, तो यह तो नीचे सड़क होगी, इस वजह से जोड़ रहे हैं, अगर नीचे पहले से तालाब है, कोई कीचड़ है, या कोई नदी है, या कुछ है जो भी, इस तरह का हमें इसको क्रॉस करना है, तो हम इस प्रकार का एक ब्रिज बनाते हैं। दूसरा ब्रिज आपने कहीं पर नोटिस करो, जो मेट्रो स्टेशन का भी एक ब्रिज बना हुआ था, वो भी थोड़ा सा कर्व से जाता हुआ होता है, ये जो बनाता है कर्व से बनाता है, एक तरह का आर्क बनाने की कोशिश करता है, कोई भी चीज जो होती है ना वो आर्क पे ज्यादा अच्छी टिकी हुई होती है, ऐसे नहीं गलत बनाया आर्क मैंने, ऐसे नहीं होते ये वाले आर्क नहीं होते, मतलब वो आर्क ऐसे होते हैं, इस तरह के आर्क पे बनाया हुआ कोई भी ब्रिज ना लंबे टाइम तक, लंबे समय तक टिका रहता है, ठीक है, इस वजह से हम जब ये वाला ब्रिज वाला पोस्चर कर रहे हैं, तो इतनी से हमारी बॉडी जो टिकी हुई है शोल्डर्स के ऊपर, शोल्डर्स के ऊपर, और हमारा हैंड, और जो हैंड्स को देखो आप देखेंगे यहाँ पे ऐसे ऐसे क्लच कर रखा है, और हमारे पैरों को हमने कैसे स्ट्रेट करने की कोशिश की हुई है, इस पे तो हम स्ट्रेट रहते ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम स्ट्रेट कभी नहीं रहते, यहाँ हम कभी ऐसे नहीं रहते, तो ये यहाँ की स्ट्रेंथ को एनहेंस करेगा, और हमारी बॉडी जो यहाँ पे कर्व शो कर रही है, एक तरह का चक्रासन है ये, तो उस पे जो हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, दोनों के सिमिलर बेनिफिट्स देने को मिलेंगे, देखिए स्ट्रेंथ कर, स्ट्रेंथन करता है बैक मसल्स को, रिलीव करता है टायर्ड बैक, स्ट्रेंथनिंग द चेस्ट नेक स्पाइन, काम द ब्रेन, रिड्यूस एंजाइटी स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, ओपन करता है लंग्स को, रिड्यूस करता है थायराइड की प्रॉब्लम को, इम्प्रूव करता है डाइजेशन को, स्टिमुलेट करता है ये किसको, डाइजेस्टिव सिस्टम को, मसाज द एब्डोमिनल मसल,
हमें रिलीफ पहुंचाता किसमें, मेंटल पेन के अंदर, फिर प्रोवाइड द रिलीफ इन कंडीशन सच एज एस्थमा, साइनाइटिस, हाई ब्लड प्रेशर एंड इंसोमनिया. अगेन इंसोमनिया के लिए थर्ड हमें मिल गया. रिड्यूस करता है फटीग को, एंजाइटी को, इंसोमनिया, और रिज्यूवेनेट करता है टायर्डनेस को. बहुत देर से खड़े हुए, खड़े होने वाला काम है, और चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो होस्टिंग का हो, चाहे किसी भी प्रकार का हमें खड़े होकर काम करना करना है, जैसे कि एयर होस्टेस का काम हो गया, कुछ भी इस प्रकार का काम है खड़े होकर करने वाला, सॉरी खड़े होकर करने वाला काम जो भी जितना भी हो, उनमें ये आसन बहुत अच्छा है. कोई बीमारी लगने नहीं देता, और जो टायर्डनेस है उसको ठीक करता है. थेरेपेटिक फॉर हाइपरटेंशन, ऑस्टियोपोरोसिस एंड साइनाइटिस. साइनाइटिस की जो इतनी प्रॉब्लम हमको किसी भी इंसान को अगर होती है, तो उसमें ये काफी रिलीफ महसूस करवाता है. कौन सा सेतुबंध, इसमें क्या होता है, इसमें ना हवा नहीं लगती ज्यादा, और जो हवा मिल रही है ना वो नेचुरल मिल रही है. फेस ऐसे ही है ना, ना तो आगे है ना तो पीछे है, झुकाया होगा फेस नॉर्मल है. उसके अंदर जो हवा है वो जो म्यूकस है ना, तो ठंडा हो रहा है ना तो वो गर्म हो रहा है, इसलिए टेम्परेचर सेंसिटिव नहीं होता ये एरिया साइनस का. सेम ऐसा माइग्रेन का भी होता है, टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं ये एरिया, तो ये अब वो नहीं बताता आपको. आपको समझ आ रहा है ना, मैं कंटिन्यू करूँ? जी ओके ओके ठीक है. तो इसका जो दुष्परिणाम बोलेंगे, हम कहेंगे किस किस को ही नहीं करना चाहिए. पहला नेक शोल्डर इंजरीज के केस में, स्प्रेन के केस में, स्प्रेन मतलब कहीं मुड़ गया था या थोड़ी चोट वोट लग गई, थोड़ी सूजन लगी, कुछ लग गया होगा, पता नहीं क्या लग गया होगा, पर कुछ लग गया होगा, याद ही नहीं, खुद को ही नहीं पता. तो कभी कभी कुछ नशे में जो क्राम्स टाइप होता है ना, कभी कभी इस टाइप का हो जाना, तो छोटी मोटी चोट जिसे कहते हैं कैसे, वो हुई है उस केस में नहीं करेंगे. एंकल इंजरी हुई तब भी नहीं करेंगे. स्पाइन में कोई प्रॉब्लम आई, शोल्डर में, हिप में कोई प्रॉब्लम आई है, सर्जरी हुई है, नहीं करेंगे. एक्यूट सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एंड हर्निएटेड डिस्क के अंदर नहीं करना. हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, और सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस, सीवियर केसेस में पहले का करना है, लेकिन बाद में का सीवियर केस में नहीं करना. एब्डोमिनल हर्निया के केस में प्रेगनेंसी, पेप्टिक एंड ड्यूरोनल अल्सर्स, जहाँ एक छाला हो गया, फोड़ा हो गया, कहाँ पे, ड्यूरिनम में हमारा एक कुछ वहां पे एक फोड़ा सा हो गया, जिसकी वजह से ना तो आगे झुका जाए ना तो पीछे झुका जाए, और पानी की कमी बर्दाश्त नहीं हो सकती. रिसेंट और क्रॉनिक इंजरीज टू द नीज एंड द शोल्डर और द बैक. ठीक है, अब लास्ट कर लेते हैं, फटाफट से खत्म कर लेते हैं. बैलेंसिंग पॉस्चर्स आसन आज की डेट में खत्म कर लेते हैं. 10 मिनट तक और हमारे साथ बने रहे, मैं इसको आज खत्म कर ही लेती हूँ. सिर्फ 5 आसन है हमारे बैलेंसिंग की. ट्री पोज है वृक्षासन का. इस सबसे अच्छी बात जो है, वृक्षासन हम जब कर लेते हैं तो अच्छी बात कर लिया. इसको पायु मूल को जब हम अपनी जंघा में, सॉरी जंघा की मूल में लगाते हैं, सॉरी पायु को पायु मूल में लगाते हैं, जब यानी कि पैर को पायु मूल में लगाते हैं, गलत बोल सकते हैं, पैर को पायु मूला में लगाते हैं, तो क्या होता है हमारे यहाँ पे, इसमें एक बंध लगना शुरू हो जाता है. वो बंध बड़ा साकार होता है. कुछ लोग कहते हैं नीज के जंगा ऊपर मूल रखना. में लगाते हैं ना हम लोग पैर को। जी हाँ, जंघा मूल में लगाते हैं जरूर है, लेकिन जब तपस्या करनी होती है तो पायु मूल में लगाते हैं. अच्छा ओके, क्योंकि ये भी थोड़ा सा नीचे पैर है उसका और हाँ थोड़ा सा ऊपर होता है ना। ये जनरल है, ये जो करते हैं ये जनरल है, क्योंकि सबने ट्रिक बनानी होती है ना, पैर को क्या करते हैं वो नीज के ऊपर छुपा लेते हैं उसको, यहाँ पे है ना. हाँ जी, तो यहाँ पे उसको बैलेंस करने के लिए नीज के ऊपर ना ऐसे कर लेते हैं, उसको टिका लेते हैं. तो ये सबसे पहला तरीका है, जो बिगिनर्स हैं जिनसे नहीं होता उनके लिए सबसे अच्छा तरीका यही वाला होता है. तो जंघा एंकल हम के पास भी टिका के करते हैं जिनको बिल्कुल ही बिल्कुल बैलेंस नहीं होता है उनके लिए। बिल्कुल करते हैं. तो इस चीज को नहीं करेंगे, ऐसे इस चीज को अवॉइड करेंगे. लेकिन अगर कोई इनिशियल स्टेज पे है तो उसको हम अलाउड करेंगे. क्यों? धीरे धीरे वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, कैपेसिटी को बढ़ाएगा, और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी, तो वो अपने आप करेक्ट पोस्चर पे जो एक्चुअल है वहां तक पहुंचना शुरू करेगा. इससे क्या होता है, जब हम धीरे 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 हम जैसे कि कौन सा है हमारा, सिद्धासन है, ठीक है, उस केस में क्या होता है, तभी ये आसन जो होते हैं ना हमारी सिद्धियों में काम आते हैं, तब वहां थोड़ा सा चेंज हो ही जाता है अपने आप ही, सिद्धियों में पहुंचते पहुंचते, ठीक है. अदरवाइज अगर लॉक नहीं लगेगा तो कोई फायदा नहीं है इस आसन का. अगर वृक्षासन में लॉक नहीं लगेगा ना तो कोई फायदा नहीं है इसका, ठीक है, क्योंकि इससे मुझे एक पैर पे खड़े होने का एक फायदा, तो फायदा कहाँ सा होता है, फायदे को सुना समझते हैं एक बार.
हमारी लेफ्ट साइड और राइट साइड को हम एक्टिवेट कर रहे होते हैं। जो पैर खड़ा हुआ है उसको एक तरह से मान लीजिए, एक तरह से वो ओपन है, एक तरह से मान लीजिए, और जो पैर मुड़ा हुआ है वो बंद है एक तरह से, ठीक है, इसको इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। तो हम अगर राइट साइड का पैर खड़ा हुआ तो राइट साइड को हम एक्टिवेट कर रहे हैं, लेफ्ट साइड पे खड़े हुए तो लेफ्ट साइड को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ब्रेन कौन सा हुआ, उल्टा हो जाता है। राइट पे खड़े हैं तो लेफ्ट ब्रेन, राइट पे खड़े हैं तो लेफ्ट ब्रेन, लेफ्ट के बाहर खड़े हैं तो राइट ब्रेन। तो ये जो हमारा वृक्षासन है वो इस पे काम करता है, और ये सबसे अच्छी एक तरीका हमारा, इसमें आप देखेंगे कभी कभी देखने को मिलेगा कि अगर आप जब भी ट्री पोज करते हैं, वृक्षासन करते हैं, जब हमने आसन को पकड़ लिया, ऊपर हाथ लिए गए, सब कुछ कर लिया, सब कुछ बना लिया, मेंटेन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन जैसे आप आंखें बंद करेंगे ना, आपका पोस्चर गिर जाएगा और आप हिल जाएंगे। जो इसको मेंटेन कर लेते हैं वो उच्च अवस्था की तरफ पहुंच रहे हैं, मध्य अवस्था से उच्च अवस्था की तरफ है। जो आंखें बंद करके इसके ज्यादा देर खड़े हो जाते हैं वो मध्य अवस्था से अब आगे बढ़ चुके हैं। मीन्स कहते हैं ना कि मध्य अवस्था एक टच करी है, और एक मध्य अवस्था में है, एक मध्य अवस्था से पार कर जा रहे हैं उच्च अवस्था की तरफ। तो वो उच्च अवस्था की तरफ पहुंचना शुरू हो जाते हैं जो आंखें बंद करके इसको काफी देर तक होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, वो क्यों हो जाता है, क्योंकि एक्चुअली हमारी ब्रीदिंग जो होती है ना, या देखने में हम अपने सेंसरी ऑर्गन्स को बिल्कुल क्लोज कर देते हैं, इस वजह से उनसे लगता है जैसे हम गिर जाएंगे, तो बैलेंसिंग नहीं बन पाती है। तो इसमें श्वासों को बहुत अच्छा रोल है, आंखें बंद करते वक्त श्वासों को अच्छे से धीरे धीरे छोड़ते हुए बंद करें, तो आपका बैलेंस बना रहेगा और आप कंटिन्यू कर भी पाओगे। धीरे धीरे बहुत टाइम लगेगा, शायद एक दो बार के अंदर पहुंच जाएंगे, ठीक है। फिर आता है स्ट्रेच करता है ये लेग्स को, बैक को, आर्म्स को इनवोगेट करता है, किसको, जो जितने भी हमारे अंदर की जो स्ट्रेचिंग है या हमारे अंदर की जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करता है। मैंने कहा था ना, छुपे हुए गुण जो होते हैं वो धीरे धीरे बाहर आने शुरू होते हैं। क्योर करता है क्रॉनिक इंसोम्निया, क्रॉनिक में सब तो हद ही हो गई, मतलब हफ्ते में 3 या 4 घंटे सो रहा है इंसान, हफ्ते में ये तो अति हो गई, उसकी आंखें बाहर आनी शुरू हो जाएंगी, ऐसे इंसान की इंसोमनिया का केस इतना हर्ट करता है। आई डू हैव वन फ्रेंड, उसकी तो आंखें लिटरली बाहर आनी शुरू हो गई थी, चेहरा बिल्कुल ही ऐसा हो गया था जैसे क्या, और लाइक वो पूरे वीक में नियरली शी स्लेप्ट अराउंड ओनली 6 आवर्स और सो, बस पूरे हफ्ते में, ये ज्यादा बताया मैंने, ये ज्यादा बताया एक्चुअली, हाँ जी मैं एक्चुअली में बहुत ज्यादा बताया। देन शी गॉट एडमिटेड इन टू द हॉस्पिटल, तो उस केस में ये थेरेपी उनको भी, मतलब उनको कुछ थेरेपीज दी गई थी उस दौरान, एम्स में थे तो उस दौरान काफी टाइम तक ये थेरेपीज चली थी। और ये इतना आसान नहीं है आज के डेट पे, अब तो बहुत फर्क आ गया, अब तो रुद्राक्ष पहनना है, सब कुछ करना है। नाउ शी हैज चेंज्ड हर लाइफस्टाइल, तो काफी चीजें चेंज हो जाती हैं, तो अब वो अफेक्ट नहीं है, ये अच्छा अराउंड 18 साल पुरानी बात है। तो आगे बढ़ते हैं, हैविंग ए कामिंग एंड रिलैक्सिंग इफेक्ट, इम्प्रूव बैलेंस, इक्विलिब्रियम, टोन करता है लेग मसल्स को, इम्प्रूव करता है पॉस्चर को, क्योंकि बॉडी पूरी ऊपर तक खिंच रही होती है ना, तो यहाँ पे हमारा कोर हमारा जो होता है उसमें काफी अच्छा असर आना दिखना में देखने को मिलता है। तो हमारी बॉडी कोर लेवल पे बड़ा अच्छा काम करती है, एक यहाँ का कोर और एक मेंटल लेवल का कोर, दोनों पे काम करता है ये, और इसलिए हमारे पॉस्चर्स में इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाती है। इधर उधर का स्पेशली बेली रीजन का जितना भी फैट है वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। स्ट्रेंथ करता है किसको, स्ट्रेंथन करता है हिप्स को, पेल्विक रीजन को, रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ सियाटिका, कंसंट्रेशन में बहुत अच्छा है, एक्सट्रीमली अच्छा है। जितने भी बच्चों को शुरुआत में अगर हम आसन करवाते हैं तो वृक्षासन उनमें सबसे सर्वप्रथम में से एक माना जाता है। इंक्रीज करता है फ्लेक्सिबिलिटी को, इम्यूनिटी को, स्टेमिना बढ़ाता है, बिल्ड करता है सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंक्रीज द हाइट, ये सारा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। स्ट्रेच करता है किसको, बॉडी को, फ्रॉम हेड टू टो, पूरी बॉडी स्ट्रेच हो गई ना, इसलिए कहते हैं इसके बेनिफिट्स हेड टू टो बॉडी में एक्सट्रीम लेवल पे देखने को मिलते हैं। अच्छा, किन केसेस में इसको नहीं करना चाहिए, माइग्रेन के केस में नहीं करना चाहिए, इंसोमनिया, इंसोमनिया का वो केस होता है जो मैं अगर कहूँ कि जैसे यहाँ पे आ गया इंसोमनिया का हमारा ये रहा, ये हो गया क्रॉनिक इंसोमनिया, डॉक्टर की गाइडेंस के ऊपर हम बात करें, इंसोमनिया का केस इसके तो होता ही होता है, मैं यहाँ इस पे डाउट है ये गलत होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए इसे, पर ये डॉक्टर वाला केस है इसमें तो होना ही चाहिए, होता ही है, मतलब यहाँ इसको ना माने सबसे बेहतर रहेगा।
अच्छा, लो और हाई ब्लड प्रेशर के केस में इसको क्यों, सॉरी, इसमें कोई इसका असर नहीं आता, बल्कि लो वाला और लो फील करता है और हाई वाला बहुत ज्यादा परेशान फील करता है। आर्थराइटिस के केस में नहीं नोट कर सकते। हिस्ट्री ऑफ एनी हिप रिप्लेसमेंट, वाइटिगो, ओबेसिटी। ओबेसिटी में क्या होता है, इसको कर सकते हैं, लेकिन उस केस में जहाँ पे इतना ज्यादा ओवरवेट है कि बैलेंस करेंगे तो शायद हो सकता है कि नीज पे ज्यादा असर आए, उस केस में थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर ओबेसिटी की कगार पे जैसे 80 या 90 के बीच का वेट है, अगर आपको लगता है कि वो मेंटेन कर सकते हैं सीधा खड़ा रहना, तो हम कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि नहीं, उनकी एक ही नी पे बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है, तो हम नहीं करवाएंगे, धीरे धीरे करवाएंगे, नहीं तो बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए नहीं करवाएंगे। फिर फ्रैलिटी एंड एल्डरली, एल्डरली में से नहीं सुना, क्योंकि जैसे कि फेस में झुर्रियां वगैरह जो होती है, सॉरी 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 झुर्रियां नहीं, I'm sorry. एल्डरली मीन्स कहने वाला कि जिन लोगों की बॉडी पहले से वीक हो रही है और बॉडी में कहीं कंपन है, प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती है और कांपती है जिसकी बॉडी, उनको नहीं करवाना, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस के केस में, इनर ईयर कंडीशंस के केस में बैलेंसिंग इश्यूज, अगर इनर ईयर की बात आ रही है तो बैलेंसिंग तो अपने आप आएगी, ठीक है। चले, हम गरुड़ आसन के ऊपर बात करते हैं। गरुड़ आसन जो हमने पढ़ा था, हमें याद होगा गहन संहिता में, वो कुछ इस प्रकार का नहीं है, पर जो हम प्रैक्टिस करते हैं वो इसी प्रकार का ही आता है। हाथ के ऊपर कोहनी के ऊपर कोहनी और नीज के ऊपर नीज और पीछे पैर मोड़ा हुआ, ये इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। इसके बेनिफिट्स क्या है, क्यों गरुड़ आसन को हमने लिया, वो भी इस प्रकार का गरुड़ आसन ही हम करते हैं। इससे क्या करता है, इम्प्रूव होता है हमारा बैलेंस, बैलेंस क्यों इम्प्रूव होता है, इसमें मेंटेन करना हमारे सीधे खड़े रहने इतना आसान नहीं है, इसलिए कोर पे भी काम करता है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। और इम्प्रूव करता है फोकस को, यहाँ से हम देख पा रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को, स्ट्रेस हमारा रिमूव होना शुरू हो जाता है। ट्रीट करता है सियाटिका को, जब हम ऐसे पैर घुमा के दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे सियाटिका में एक हेल्प मिलती है टू सपोर्ट इट, एक सपोर्ट का तरह सिस्टम हमें मिलता है जो हेल्प करता है। लेकिन अगेन एक्यूट केस में नहीं होता, सियाटिका के केस में जहाँ पे थोड़ा बहुत है या ट्रेवलिंग स्टार्ट हुई है तो उस केस में कर सकते हैं। स्ट्रेंथन करता है लेग्स को, एलोंगेटिंग आर्म्स एंड थाइस, जो हमारे थाइस का जो एक कह सकते हैं कि एक स्ट्रेच है, जो या कहूँ कि जो इसके स्ट्रेचेस के अंदर अब तक हमें प्रॉपरली एक कहते हैं तोड़ मरोड़ के, हम तोड़ मरोड़ने वाले आसन थोड़े कम होते हैं हाथों के और पैरों के, जहाँ से टॉक्सिन्स को बाहर निकाला जा सके और हेल्प हो हमारी, तो उस केस में ये वाला आसन ज्यादा अच्छा है जिसके अंदर ट्विस्ट हमारे हाथ और पैर के अंदर है। अब कमर के अंदर नहीं है, गर्दन में नहीं है, स्पाइन के अंदर नहीं है, अब हाथ और पैर के अंदर हो रहा है, जितना भी ट्विस्ट हो रहा है, ठीक है। करता है इम्प्रूव करता है ब्लड सर्कुलेशन को, स्ट्रेंथन करता है एंकल्स को, काफ को, एड करता है डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। जो भी मैंने बात बताई, फिर स्ट्रेचिंग में अपर बैक, शोल्डर, हिप और थाइस पे काम करता है, कंट्रोल करता है रूमेटिज्म। रूमेटिज्म के बारे में कौन बताएगा क्या होता है? एक तरह का आर्थराइटिस होता है, मतलब जॉइंट की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ओबेसिटी के केस में, किस केस में हम इनको नहीं करेंगे, वो किसी क्या क्या आगे, ओबेसिटी के केस में नहीं करना, क्योंकि उस केस में पैरों को बांधा ही नहीं जाएगा, इतना आसान नहीं होगा, और फिर हो सकता है कि सामने वाले का कॉन्फिडेंस लूज होना शुरू हो जाए। फ्रीक्वेंट हेडेक बहुत रहता है, सामने वाले को बहुत ज्यादा हेडेक रहता है, हेडेक का केस कोई भी हो सकता है। मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि हेडेक के रीजन बहुत सारे हैं, एक नहीं है, बहुत सारे हैं, तो किस वजह से हो रहे हैं उसको पहले ट्रीट करा जाए, रेदर देन सीधा उनको आसन करा के ये समझा जाए कि तो ओवरऑल बॉडी पे काम करता है, ठीक है। हाई लो ब्लड प्रेशर पे इनर प्रॉब्लम जो हमने कहा बैलेंसिंग है, तो इनर प्रॉब्लम आएगी आएगी, अगर इनर बैलेंसिंग की प्रॉब्लम नहीं हो पा रही, मतलब बैलेंस नहीं हो पा रहा है। एस्थमा और COPD, ये मुझे COPD क्या था, अस्थमा में क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, आई गेस ये था नाम, मतलब ये लंग्स की प्रॉब्लम है, ठीक है। रिसेंट डिनी एंकल एंड शोल्डर इंजरी, जो स्लीप एपनिया पड़ा था ना आपने, एक तरह का वो कुछ इस तरह का, नहीं स्लीप एपनिया तो अलग हो गया, उसमें तो खरांटे होते रहता, तो ये होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का मतलब होता है कि सांस लेने में और उसकी जो प्रक्रिया उसको करने में ना ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा आ रही है, मेन होता है सांस लेने लेने में, लेने और छोड़ने में ज्यादा दिक्कत आ रही है, जो ब्रोंकाइटिस वाला एरिया होता है, ब्रोंकाइटिस वाला एरिया, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है।
पल्मोनरी में एक और चीज बेस में एक और भी होती है जो जो आई थिंक होता है जिसकी जो पल्मोनरी की यानी कि लंग्स की जो वॉल होती है ना उसमें जो सिकुड़ के बंद होने की जो एक वॉल होती है ना यहाँ पे ये मान लीजिए ये वॉल है ये जो वॉल वाला एरिया है ये प्रॉपरली काम नहीं कर रहा होता कईयों में तो ये प्रॉब्लम आती है। अब एग्जैक्टली मुझे नहीं याद ये वाला कि ये इसी की प्रॉब्लम है ये वाली उसी की बात कर रहा है या ब्रोंकस की बात कर रहा है। ठीक है मैं एक बार कंफर्म कर दूंगी इसके ऊपर प्लीज मुझे याद दिला दीजिएगा ये वाला पॉइंट रहता है मैं इस पर कंफर्म कर दूंगी कि एग्जैक्टली कौन सा वाला सी ओपीडी होता है ये। मेरा एल्बो इंजरी के केस में नहीं करना चाहिए वेरिकोस वेन के अंदर इन द बैक ऑफ द नीज अगर वेरिकोस वेन्स बैक ऑफ द नीज है तो बिल्कुल नहीं करना है। सीवियर नी पेन अगर है नहीं करना। एथराइटिस रेस्पिरेटरी पैथोलॉजीज पैथोलॉजीज में रेस्पिरेटरी का मतलब ये हुआ किसी भी प्रकार की डिजीज या डिसऑर्डर्स हम फेस करें जैसे कि टीबी एंड ऑल इन सब में इन केस में नहीं करना। फिर आता है बैलेंसिंग डिफेक्ट्स डेफिसिट्स बैलेंस डेफिसिट से मतलब क्या हुआ बैलेंस बनता ही नहीं है बार बार गिर जाते हैं तो इस केस में क्या हुआ कोई भी रीजन हो सकता है बहुत ही वीक बोन्स है टूट रही है अंदर से इस वजह से हो सकता है कोई भी रीजन हो सकता है खाने पीने का हो सकता है बात पित्त कफ के दोष की वजह से हो सकता है कोई भी रीजन हो सकता है। ठीक है लोअर बैक की पैथोलॉजिस्ट हो गई लोअर बैक अगेन पैथोलॉजिस्ट मतलब बीमारियां। ठीक है जो चीज नॉर्मली मेडिसिन से ही कंट्रोल होती है वो वाली। नमस्कार आसन इसे समहेर हम देखेंगे एक तरह का हमारा एक स्टैंडिंग नमस्कार आसन होता है जो हम पीठ के सॉरी उल्टे खड़े होते हैं और पीछे से नमस्कार करते हैं एक सामने से ही करते हैं जो हम सूर्य नमस्कार में करते हैं उसको कहते हैं प्रणाम आसन। जब सूर्य नमस्कार में हम करते हैं तो वो होता है हमारा प्रणाम आसन। ठीक है लेकिन अगर हम बैठ के करेंगे तो ये वाला होता है वैसे मलासन। मलासन में इसकी थोड़ी सी वेरिएशन होती है पर ये होता है एक होता है ऐसे ही सेम उल्टे खड़े होते हैं इसी में प्राणायाम की तरह उल्टे में खड़े होकर पीछे की तरफ हम नमस्कार करते हैं। ठीक है फिर ये क्या करता है इससे क्या मुझे फायदा मिल जाएगा इम्प्रूव करता है बैलेंस करता है कंसंट्रेशन को। जब हम नमस्कार किसी और को भी करते हैं ना तो आप कभी नोटिस कीजिएगा कि हमारी कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव होती है। कंसंट्रेशन कैसे इम्प्रूव होती है जब हम मंदिर में बैठ के प्रार्थना करते हैं प्रार्थना करते वक्त यही मुद्रा होती है हमारी नमस्कार की मुद्रा। ठीक है चाहे वो इस प्रकार बैठे हुए हो सुखासन में बैठ के करी हुई हो हमारे हाथ जो जुड़े हुए होते हैं वो कंसंट्रेशन बनाने में काफी हेल्प करते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब हम लास्ट सेशन हम ले रहे थे तो हमने इस चीज को डिस्कस भी किया था मतलब मैंने ये चीज बताई थी जब हाथ पैर से मिलते हैं और जब हाथ हाथ से मिलते हैं या पैर पैर से मिलते हैं तो नर्व एंडिंग्स जहां भी जुड़ रही होती है मिल रही होती है तो उसका प्रभाव वो कनेक्शन जो होता है एक लॉक जो बनता है हमारे नर्व एंडिंग का वो अद्भुत होता है वो कोई ना कोई चमत्कार या कोई ना कोई ऐसी बेनिफिट्स हमारी बॉडी में जरूर देता है। वैसे ये चमत्कार ही होते हैं एक तरह के बहुत जल्दी बेनिफिट्स देते हैं ये बहुत जल्दी। ठीक है क्या आता है ये स्टिमुलेट करता है हमारे मूलाधार रूट चक्र के ऊपर हमारा काम करता है और चक्र जो एट द बेस ऑफ द स्पाइन मतलब मूलाधार के बारे में बात हो रही है ये इंक्रीज करता है फ्लेक्सिबिलिटी इन द हिप्स बीइंग इफेक्टिव ऑफ द नर्व्स मसल्स ऑफ द थाई नीज शोल्डर आर्म्स एंड द नेक गिविंग अ गुड बैलेंस टू द एनर्जी बॉडी बीइंग यूजफुल फॉर द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में जिन लोगों की नॉर्मल डिलीवरी के बारे में डॉक्टर ने कहा नहीं कहा तो नहीं बताया कह रहे हैं कि थोड़ा मुश्किल होगा उस केस में आप करिए नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। इसके कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं लिखे बल्कि हम समझ सकते हैं वैसे यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शंस के अंदर यही आता है इसका कि नी की प्रॉब्लम है या इंजरीज है या इस प्रकार की बातें आएंगी ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन इंडिकेशन के अंदर ज्यादा अगर पूछेंगे तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है वैसे इसके अंदर लिखे नहीं है तो मैं ऐड कर दूंगी। टिटिपासन जो टिड्डी होती है जैसे टिटिपासन वैसा। ठीक है एक टिटिपासन ऐसे में होता है उसमें पैर बाहर की तरफ होते हैं जैसे सेतु बंध में थे ना पैर खुले भी होते हैं एक टिटिपासन वैसा भी होता है। ठीक है स्ट्रेंथ करता है किसको आर्म्स को सॉरी स्ट्रेंथ करता है किसको आर्म्स को रिस्ट को शोल्डर को ट्राइसेप्स को हिप फ्लेक्सर्स को। इसका तो कोर ही अलग लेवल पे होता है क्योंकि इसमें पूरी बॉडी हमारी हवा में उठ रही होती है हमारे हाथों में हाथों के बाहर पे। ठीक है पूरे आर्म्स के मतलब बाहर पे उठ रही होती है। अब इसको ये देख लेते हैं इसमें स्ट्रेचिंग करते हैं किसमें हैमस्ट्रिंग एबडक्टर्स आउटर हिप्स एबडक्ट सॉरी एडडक्टर्स क्या किसको कहते थे एडडक्टर्स काजल जी में पास आ रही होती है उसे कहते हैं बिल्कुल और जो जा रही होती दूर एडक्शन।
फ्लेक्सुरल एक्सटेंशन, एड मतलब हाँ, एडक्टर जो एड है ना, मतलब एड है, पास में आ रहा है, हाँ, एबडक्टर और वही दूर, एबडक्शन, एबडक्शन होगा शायद, एबडक्शन, एबडक्टर और एबडक्शन। एबडक्शन में क्या होता है, एबडक्शन का दूसरा मीनिंग क्या हम यूज करते हैं, किडनैपिंग। जब कोई किडनैप हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं ना एबडक्शन का केस है, कहता है तो वहां यूज होता है ना, जब न्यूज़पेपर में बड़ी हेडलाइंस आती है कुछ होता है तो एबडक्शन का वर्ड यूज करते हैं बार बार, ठीक है ना। तो किडनैपिंग के केस में बहुत बार यूज करते हैं एबडक्शन का। तो एडक्शन हो गया टूवर्ड्स, एबडक्शन हो गया आउटवर्ड्स, मीन्स समथिंग विच इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन, या मीडियल, सेंटर से दूर ले जाना कुछ भी, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, एक्सटेंशन और फ्लेक्शन। फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है और एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, अगर एक याद है तो दूसरा अपने आप याद हो जाता है। एक्सटेंशन मतलब किसी एक्सटेंशन की, मतलब फैलाना, बिल्कुल, और फ्लेक्शन का क्या हो गया, फ्लेक्सर या फ्लेक्शन टूवर्ड्स इट, पास में लाना। किस तरफ पास लाना, ओरिजिन की तरफ या फिर सेंटर की तरफ, इस तरह से, ठीक है। तो क्या, हाँ जी, स्ट्रेच करता है हैमस्ट्रिंग को, एबडक्टर्स को, एडक्स, और यहाँ पे एड है, एडक्टर्स यानी कि ये एड कर रहा है, ठीक है, एंड आउटर हिप्स, ठीक है, ये ऊपर से मार मिला रहा है ना यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको, इसलिए एडक्टर, एडक्टर्स, ठीक है। इंप्रूव क्या करता है, बैलेंस को स्टिमुलेट करता है, एब्डोमिनल ऑर्गन्स को रिलीव करता है, फिजिकल स्ट्रेस जो काम की वजह से आया हुआ हो, इमोशनल नहीं होता, काम वाम की वजह से थक गए, बहुत काम कर लिया, यहाँ से वहां फ्लाइट लिए जा रहे हैं, परेशान हो गए हैं, या दिन में काम ही काम कर रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं कभी वहां जा रहे हैं, ठीक है। तो इस वो फिजिकल स्ट्रेस वहां यहाँ पे दूर हो जाता है, और इम्प्रूव करता है हिप फ्लेक्सिबिलिटी को, और ओपनिंग द चेस्ट, इम्प्रूविंग द मूड, जो जैसे कि लोगों को तो मूड बहुत जल्दी डाउन हो जाता है, दे आर सेंसिटिव, उस केस में बहुत अच्छा है। लोअर बैक पेन के लिए बहुत अच्छा है, इंजेशन, फटीक, कॉन्स्टिपेशन के केस में काफी आरामदायक महसूस होता है। अच्छा, ऐसे कॉन्ट्राइंडिकेशन इंडिकेशन में क्या कहेंगे, कौन कौन किन लोगों को नहीं करना चाहिए, एन इंजरी टू द रिस्ट, शोल्डर, लोअर बैक, ब्लड प्रेशर के केस में प्रेगनेंसी, रिकवरिंग फ्रॉम सर्जरी, कार्पल टनल सिंड्रोम और अदर्स, इस केस में नहीं करेंगे। अगर कोई भी किसी प्रकार का हमारा ये जो सिंड्रोम है हमारा का, ये किसी बच्चे को हुआ हुआ है तो उस केस में इनको परफॉर्म नहीं करना चाहिए, ठीक है। रिपीटेटिव स्ट्रेस एंड इंजरीज टू द आर्म, एक्यूट सेक्रोलम्बर स्ट्रेन, ये इम्पोर्टेंट है, और ये वाला इम्पोर्टेंट है, हार्निया, हाई ब्लड प्रेशर, हिस्ट्री ऑफ द हार्ट एलिमेंट्स, डिप्रेशन केस में इसको नहीं करना, ठीक है। डिजीनेस के केस में इसको नहीं करना, वर्टिगो, एपिलेप्सी, माइग्रेन, नोसिया, हर्निया डिस्क, सीवियर सियाटिका, किसी का ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा, पर वो परेशान बहुत हो रहा है, उसको हम कह रहे हैं कि चलिए अब आज की क्लास में हम करेंगे टिटेबासन, और टिटेबासन उस इंसान से नहीं हो सकता, लेकिन उसने हमसे शेयर ही नहीं करा तो ये बहुत गलत हो जाएगा। द पर्सन नीड्स टू बी ओपन अबाउट देयर एल आई मीन देयर डिसऑर्डर्स एंड डिजीज। इस प्रकार से हर एक बच्चे को अपने गुरु से या अपने टीचर्स के साथ इतना खुला हुआ या इतना ओपन होना जरूरी है, ठीक है, ताकि वो इस तरह की चीजों में डिस्कस हमेशा रखे, ठीक है। पेन इन टू द नेक, आर्म्स, लेग्स एंड द शोल्डर और द बैक, इस प्रकार से इस आसन को परफॉर्म हम किसी में नहीं करेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा लास्ट आसन, नटराज आसन। नटराज आसन क्या हो गया, हमारे नट राज यानी कि लॉर्ड ऑफ वॉट, नटराज, नटराज मतलब हाँ, नृत्य, नृत्य करते हुए नृत्य, जी नृत्य जी का जो मतलब डांस का जो राजा, वो वाला आसन, ठीक है। और ये हमारे शिव जी का, शिव जी जी क्या कहलाते हैं, हमारे नटराज है ना, वहीं पे है ना, जब वो खुद तांडव कर रहे थे, जब ये नाट्य शास्त्र, हमारा तांडव हमारा कहाँ से निकला, जो नाट्य शास्त्र जो था कैसे निकला था, जब सती माता जी का वो हुआ था, उन्होंने अपने आप को आग में झोंक दिया था उन्होंने, तो शिव जी आए, वो प्रताड़ना में थे, उन्होंने बहुत अलग अलग तरीके से उन्होंने डांस किया, नृत्य किया, तो ये सब कुछ देख रहे थे, कौन देख रहे थे, तंडू, तनु नाम के एक ऋषि थे, वो देख रहे थे, उन्होंने वहां से उनको देखा अच्छे से कि क्या कर रहे हैं, और ही हैज अ ग्रेट मेमोरी लेवल, उस दौरान पर वैसे होता भी सबका था, तो उन्होंने उसको बड़े अच्छे से लिखा, महसूस करा, समझा, और उन्होंने देखा ये हो क्या रहा है, ये कुछ अद्भुत हो रहा है जो हो रहा है, उसको उन्होंने लिखा, और वो जो शास्त्र
बाद में आया हमारे सामने, वो नाट्य शास्त्र जो था वो तांडव जो था, वो तांडव उत्तंडु जो ऋषि है उनके नाम पे उनको रख, ठीक है, वो उन्होंने लिखा था। चले आगे बढ़ते थोड़ा सा। तो ये जो इन्होंने नटराज आसन है, इसके अंदर हमारी बैलेंसिंग सुप्रीम लेवल पे, आज भी आप देखेंगे कई आसनों में सबसे पहले, चाहे कहीं भी मूवीज हो या कुछ भी हो या कहीं भी दिखाएंगे, तो हम इस आसन को और वृक्षासन को सबसे पहले लेके चलते हैं बैलेंसिंग के नाम पे। ये बड़े ही मुश्किल आसनों में से एक है। ट्री पोज जितना, वृक्षासन जितना इजी दिखता है उतना इजी है नहीं। जैसा मैंने बताया था, अगर आंखें बंद कर ली जाए तो इंसान का गिरना उतना आसान है, और वहां उसका भ्रम जो अहंकार है वो टूट जाता है। यही इसके साथ भी होता है। यहाँ इसका भ्रम और जो एक इंसान को देना कि मैं तो ये किसी भी प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी हम कर सकते हैं, ये भ्रम को तोड़ने में सक्षम है। प्लस ये डांसर्स के लिए सबसे अच्छा आसन है, ठीक है, मतलब उनके लिए सर्वप्रथम है। स्ट्रेचिंग इंपॉर्टेंट मसल्स करता है। इंपॉर्टेंट मसल से मतलब क्या हो गया, जितने भी मेरा एब्डोमिन एरिया आ गया, मतलब जो हमारा सेंटर ऑफ द बॉडी है मेरा वहां पे आ गया, हैमस्ट्रिंग्स का सब सारी मसल्स इसके अंदर हमारी स्ट्रेच कर जाती है, इंक्लूडिंग हैमस्ट्रिंग्स, क्वाड्स, हिप फ्लेक्सर्स, ग्रोइन एरिया, सब अच्छे से स्ट्रेच हो जाते हैं। इंप्रूव करता है बैलेंस को, फोकस को, टोन करता है पूरी बॉडी को, रिड्यूस करता है स्ट्रेस, ओपन करता है चेस्ट एंड द शोल्डर। अब यहाँ से हम देख पाएंगे कि कैसे ये चेस्ट को अच्छे से ओपन कर पा रहा है, और शोल्डर्स भी इसको कितने खिंच के, कितना अच्छा खिंचाव है, कितना सुंदर खिंचाव है, कैसे बॉडी पूरी खिंच रही है इसके अंदर, ब्यूटीफुल। ऐसा ही हमारा फर्स्ट जो सेट था हमारा स्टैंडिंग आसन के अंदर, हम नोटिस करेंगे उसके अंदर कितने अच्छे अच्छे हमारे आसन थे, वीर आसन और हमारे त्रिकोण आसन, कैसे ब्यूटीफुली पूरी बॉडी स्ट्रेच करती है, पूरी फुल बॉडी इसमें इन्वॉल्व होती है, राइट। फिर इसमें स्ट्रेंथिंग करता है किसको, लेग्स को, क्योंकि इसमें हमने पूरे पहले से लेग पे बनाना होता है। और अगेन ये भी लेफ्ट एंड राइट लेग से हम करेंगे, ताकि हमारी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी दोनों पे एक्टिवेशन हमारी प्रॉपरली बनी रहे। प्लस लेफ्ट एंड राइट साइड से क्या होता है, हम जब करते हैं तो हमारी बॉडी में जो अलाइनमेंट है, एक साइड से तो कर लिया है, एक साइड तो तभी रह गई, पर दूसरी साइड तो स्टिफ अभी भी है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आई, इसलिए दोनों साइड तो हमें करनी सर्वप्रथम है। ये तो खैर बाय डिफॉल्ट हमारे कहते हैं लॉज में है योग के करना कैसे होता है योग, ठीक है ना। फिर ऐसा स्ट्रेंथनिंग द लेग्स हो गया, प्रोवाइड एक्सीलेंट फ्लेक्सिबिलिटी, इंप्रूव डाइजेशन, करेक्ट द डिजीज रिलेटेड टू द बटक्स, थाई, ग्रोइन एंड एब्डोमिनल एरिया, स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी को काफी अच्छे से बढ़ाता है, ठीक है। केस में नहीं करेंगे ये तो पहले ही आ जाता है, सबसे पहले भक्का तो यही आता है जब भी बैलेंसिंग की बात करो तो, कि बटाई को मैं नहीं करूंगा, बैलेंसिंग की बात आ गई मैं नहीं करूंगा। और इसमें तो एक चीज और भी आ जाएगी जहाँ पे इस तरह की बात आती है, बटाई को अगर आ गया ना तो ईयर प्रॉब्लम की आप लिख लीजिएगा, इनर ईयर की प्रॉब्लम, वीक हार्ट की प्रॉब्लम जो होगी इनको नहीं करेंगे, लोअर बैक इंजरीज वगैरह होगी, पेप्टिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर, कोलाइटिस, प्रेगनेंसी, रिसेंट और रिकरिंग इंजरीज टू एनी पार्ट ऑफ द बैक, नी, एंकल एंड इंस्टेबिलिटी इन द हिप जॉइंट, किसी भी प्रकार का लो एरिया में, चाहे वो जो जॉइंट्स को लेकर हो, मसल्स को लेकर हो, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम या दुविधा होती है उस केस में इसको परफॉर्म नहीं करेंगे। एक बार सूर्य नमस्कार देख ले, बहुत छोटा सा है, बहुत ही छोटा सा, सूर्य नमस्कार में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं इसका तो वैसे ही मैंने दे देना है तो आपको याद भी हो जाएगा। सूर्य नमस्कार करने के लिए हमारी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज चाहिए, सैल्यूटेशन टू द सन। जब हम ओम के, ये दिख पा रहा है वैसे आपको, इतना ओपन है ना, जी हाँ जी, ठीक है। तो ये जो इसमें है, इसमें इनहेल का है, मैं ये जो भेजूंगी तो आप उसमें एक बार जूम करके अच्छे से देख सकते हो। जब हम प्रणाम आसन करते हैं तो हम एक्सहेल करते हैं, जब हम क्या कहते हैं, मैं आसन का नाम भूल रही हूँ, हस्तोत्तानासन, हस्तोत्तानासन, हाँ जी, हस्तोत्तानासन में हम ब्रीथ इन करते हैं ताकि हमारी चेस्ट पूरी खुल गई है ना, अच्छे से स्ट्रेच करा हमने, अपवर्ड स्ट्रेच करा है, तो हम उसमें ब्रीथ इन करेंगे। पादहस्तासन में क्या करेंगे, एक्सहेल करते हुए आगे जाएंगे, क्योंकि हम कोलैप्स कर रहे हैं बॉडी को, प्लस हम ग्रेविटी के कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं। फिर हम यहाँ से वापस आते हुए क्या करेंगे, इनहेल करते हुए जाएंगे, ठीक है। फिर हमने एक्सहेल करा, क्या करा हमने, अश्व संचालन आसन करा, फिर हमने दोनों साइड पे हमने बैलेंस बनाया, क्या करा हमने उसके लिए,
भुजंग आसन कहते हैं, नहीं भुजंग भी नहीं, भुजंग नहीं, अष्टांग नमस्कार, अष्टांग वाला आसन जो बनाते हैं, अष्ट, हाँ जी अष्ट, अष्टांग आसन, अष्टांग नमस्कार, उस आसन के लिए हम उसमें इन करेंगे। लेकिन जब हम अष्टांग सूर्य नमस्कार कर रहे होते हैं ना, जब जा रहे हैं तो इन करेंगे, लेकिन जब कर रहे होते हैं उसमें हमारी ब्रीदिंग ना तो हो रही होती है, ना तो इन होती है, ना तो आउट होती है, वहां हम होल्ड करते हैं। ठीक है, ये पता है ना हम सबको, ठीक है, वहां उसमें हम पे ना होल्ड। हम लोग मतलब बाह्य कुंभ करते हैं एक्चुअली। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बाह्य कुंभक का मतलब क्यों करेंगे हम, ये देखें, अगर हम बाह्य कुंभक नहीं करेंगे, आंतरिक कुंभक तो हम कर ही नहीं पाएंगे, पहली बात तो हम कर ही नहीं पाएंगे उसे, इसलिए बाह्य कुंभक हमें करना जरूरी है। इस उसी की वजह से हम अष्टांग नमस्कार एक तो हम कर पाते हैं और फलित होता है, दूसरा हमारी नाड़ियां हमारे कॉन्ट्रैक्ट में आ पाती है, क्योंकि अष्टांग नमस्कार में हमारी नाड़ियों का हमारे अंदर रोल बहुत बड़ा है। ठीक है, जो लिखना है अष्टांग नमस्कार, फिर आता है हम इसमें भुजंग आसन में आए, इसमें हमने एक्सहेल करा, फिर वापस आने लगे तो हमने इनहेल करा, ये जो पर्वतासन करा तो एक्सहेल करा, पर्वतासन से हम आए अश्व संचालन में इन करा, फिर से पादहस्तासन एक्सहेल, ठीक है, पादहस्तासन से वापस ऊपर की तरफ आ रहे थे तो इनहेल, इसने दो बार क्यों दिया, ठीक है, पादहस्तासन में जब वापस आने लगे तो इसे इनहेल करा हुआ है, जब हम इससे ऊपर आए तो अश्व संचालन, अच्छा अच्छा अश्व संचालन से वापस आए तो एक्सहेल करा है, पादहस्तासन आसन में जा रहा है तो इनहेल कर रहे हैं, वहां जब कर रहे हैं तो एक्सहेल कर रहे हैं, फिर वापसी पूरे ऊपर उठे हैं तो इन कर दिया, जब स्ट्रेट खड़े हो गए प्रणाम आसन के लिए, सॉरी हस्तोत्तान के लिए, तब हम इनहेल कर रहे हैं और प्रणाम में आके हमने एक्सहेल करा एट द एंड। लेकिन ये सारा इनहेल एक्सहेल जो खेल है, इसको हमारे शास्त्रों शास्त्र में अगर हम कहें तो बहुत सुंदर तरीके से इसके जो श्लोक है उनके साथ इसको निर्मित किया गया है। श्लोक को जरूर याद रखें, क्वेश्चन आता ही आता है, प्रैक्टिकल योग में से आपके आसनों से कोई क्वेश्चन पूछा जाए या ना पूछा जाए नहीं पता, पर सूर्य नमस्कार में इसका श्लोक जरूर पूछ लेते हैं, या तो स्टेप पूछ लेंगे या तो श्लोक पूछ लेंगे। स्टेप से मतलब किसमें इन एंड आउट हो रहा है और किस चक्र पे ध्यान देना है और यहाँ पे क्या क्या हमारे हमारे वो है मंत्र है, किस स्टेप पे कौन सा मंत्र है। ठीक है, बाकी ये सारे जो छोटे छोटे से इसके बेनिफिट्स है कि एड करता है वेट लॉस में, इम्प्रूव करता है कॉम्प्लेक्शन, कॉम्प्लेक्शन कैसे इम्प्रूव होगा, जैसे ही कफ की प्रकृति हमारी नॉर्मल होनी शुरू हो जाएगी, पित्त प्रकृति घटेगी, पित्त प्रकृति एक्चुअली बैलेंस होती है इसके अंदर, ना तो घटती है ना तो बढ़ती है, पर अगेन ओवर वाले केस में नहीं करना होता, और जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हमारे फेस पे हमारे पूरी बॉडी में ऑल थ्रू माई बॉडी अच्छे से डिवाइड हो पाता है, इसलिए कम्प्लेक्शन डिवाइड अच्छा होना शुरू होता है, प्लस कफ कफ जो है ना कफ भी डिवाइड होता है पूरी बॉडी में अच्छे से, जहाँ नहीं होना चाहिए वहां नहीं होता, जहाँ एक्सेस में वहां घट जाता है, और जहाँ होना चाहिए वो उसकी जगह मेंटेन करता है। सूर्य नमस्कार में ये फायदा होता है। ठीक है, ये मेंटेन करता है हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम, एडिंग एडिंग इन ट्रीटमेंट ऑफ द इंसोमनिया, इसके लिए फिर से एक और अच्छी चीज आई, फिर है इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ द फ्रोजन शोल्डर्स, फ्रोजन शोल्डर्स के केस में अच्छा तो है लेकिन अगर बहुत ज्यादा है तो नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा केस सीवियर केस है तो, इंश्योरिंग रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये बहुत अच्छा है, मैंने बहुत लड़कियों के अंदर देखा है, बहुत अच्छे से उनको रिजल्ट उनके अंदर देखा जाता है, ये ऑब्जर्व करा गया है, यस। प्लस इसके बहुत सारे अच्छे हमारे पास रिसर्च पेपर्स भी हैं जिसके अंदर ये बात को प्रूव करा गया है। एंगेजिंग द कोर, कोर को मतलब ये हो गया कि हमारा पेट जो है, हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारी बॉडी का, वो बहुत ज्यादा एंगेज रहता है इसके अंदर, इसलिए हमारी बैलेंसिंग अच्छे से इम्प्रूव होती है, और इसी की वजह से हमारी मेमोरी लेवल भी इम्प्रूव होता है। ठीक है, ये बहुत बड़ी वजहों में से एक है। ठीक है, फिर क्या करता है, हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करता है, शोल्डर को थोड़ा लूज करता है, लूज करने का मतलब ये है कि हम उसकी जो मूवमेंट है, जो जटकी हुई है, लोग अटकी हुई सी थी, उसको थोड़ा लूज करता है, हमारी नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज के लिए हमें हेल्प करता है ये। फिर आता है इम्प्रूव करता है ब्लड सर्कुलेशन थ्रू आउट द एंटायर बॉडी, मसाज करता है इंटरनल ऑर्गन को, और ब्लड शुगर लेवल जो होते हैं उसको घटाता है, इम्प्रूव करता है मेटाबॉलिज्म को, हेल्प करता है हॉर्मोनल इम्बेलेंसेस, यानी कि हॉट फ्लैशेस के अंदर अच्छा रहेगा मेनोपॉज में, अच्छा तो रहेगा लेकिन डिपेंड करता है कि उनका बीपी वगैरह कैसा है, और हॉट फ्लैशेस उस दौरान आ तो नहीं रहे कहीं, तो मेनोपॉज के केस में हॉर्मोनल इम्बेलेंस किस स्टेज तक पहुंच गए तो ये थोड़ा ध्यान में रख के करेंगे। ठीक है, and problems that is occur due to the
बिल्डिंग लीन मसल्स मास, यानी कि जो मास की जो स्ट्रेंथ है, कह लो कि मास का जो वेट है एक तरह का, या कह लो कि जो उसकी अपनी होती नहीं ब्रिटलनेस जो होती है, एक होता है कि भारीपन है मास में, एक होता है ब्रिटल होनी शुरू हो जाती है, टूटनी सी शुरू हो जाती है, ये समझ लो कि जान ही नहीं है इस प्रकार, उस केस में काफी अच्छा रहता है, उसमें ये उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। लेकिन कई कई केस में तो मना कर देते कि बिल्कुल ही नहीं करना, तो अगेन डॉक्टर से कंसल्ट करके करना है उस केस में, ठीक है। सन सैल्यूटेशन के अंदर क्या करता है, हेल्प करता है, बूस्ट करता है एनर्जी को, अलाइन करता है बॉडी को प्रॉपरली। टेढ़ी मेढ़ी बॉडी थी कहीं से, थोड़ा सा भी बॉडी कहते ना ज्यादा झुका हुए थे, कभी ज्यादा सीधे बैठे हुए थे। ड्राइविंग के केस में क्या होता है, हमेशा राइट साइड झुकी हुई रहेगी ड्राइविंग केस में, दोस्त हुआ लेफ्टी उनका लेफ्ट साइड ज्यादा थोड़ा झुका हुआ रहेगा, और जो राइटी होते हैं उनका राइट साइड ज्यादा झुका हुआ रहेगा, तो ड्राइविंग केस में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो बाद में कई सालों बाद पता चलता है कि उनकी पूरी बॉडी ही टेढ़ी हो गई है। इट इज वेरी कॉमन, वेरी 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 कॉमन। सेकेंड क्या होता है, चलते फिरते हैं, मान लो बस में जाते हैं, तो एक हाथ से अगर बस में अपने को बैलेंस करने के लिए पकड़ा हुआ है, अब तो वो बसेस नहीं रह गई, लेकिन अगर मुंबई साइड में जाएंगे लोकल ट्रेन में तो ये अभी भी है, दे हैव टू होल्ड अ चेन, तो वो उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि वहां से क्या होता है, वो एक साइड का उनकी बॉडी फिर टेढ़ी हो जाती है, फिर से एक साइड पे लीन हो जाते हैं ना, तो वो बॉडी बॉडी की जो अलाइनमेंट होती है वो खराब होनी शुरू हो जाती है। तो उस केस में अगर सूर्य नमस्कार करेंगे तो बॉडी की अलाइनमेंट अलाइनमेंट नॉर्मल रहेगी, बैलेंस रहेगी, ठीक है। लंग्स, नर्वस सिस्टम, हार्ट एज वेल एज जॉइंट मसल्स विल बी बेनिफिट फ्रॉम द सन सैल्यूटेशन रूटीन्स, ठीक है। एक बार कॉन्ट्रा इंडिकेशन देख लेते हैं लास्ट, कि बैक पेन में नहीं करना, प्रेगनेंसी में नहीं करना, हाई ब्लड प्रेशर में नहीं करना, हार्ट प्रॉब्लम, आर्थराइटिस, इंजरीज स्पेशली रिस्ट एरियाज में इंजरी अगर है तो नहीं करना, फीवर के केस में नहीं करना, ये क्वेश्चन उठता है। बॉयज के केस में नहीं करेंगे, इंफ्लामेशन के केस में नहीं करेंगे, रैशेस के केस में नहीं करेंगे, फिर बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसका पहले से बड़ा हुआ है उस केस में तो करना ही नहीं ना, एक हमें थोड़ा सा बढ़ाना है, बैलेंस करना है, त्रिदोष को समता में लाना है, एक है पहले ही बढ़े हुए हैं उसमें आप कह रहे हो कि कर लो, किसी के फेस पे इतने पिंपल्स निकलते हैं आप कह रहे हैं कि आप कर लीजिए कर सूर्य नमस्कार, गलत है। किसी को अगर पेट में अल्सर्स वगैरह हो रहे हैं आप उन्हें कहेंगे अल्सर्स करिए, ओ सॉरी सन सैल्यूटेशन कर लीजिए, बेनिफिट नहीं देगा, ठीक है। फिर आता है लो ब्लड प्रेशर के केस में नहीं करना, वीक लोअर बैक एंड द बैड बैक प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर क्या हो, ठीक है, क्लियर है। अब हम कल की क्लासेस स्टार्ट करेंगे अपना अच्छा सा टॉपिक प्राणायाम का, प्राणायाम बंद और ये सब कुछ हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। प्राणायाम और ये सब कुछ बहुत इजी है, मुश्किल कुछ नहीं है प्राणायाम में, बस एक दो चीजें नहीं हो सकती हैं शायद कि टेक्स्ट से रिलेटेड भी है, लेकिन वो तो पर लगेगा जैसे थोड़ा सा नया है, बस थोड़ा सा लगेगा, ज्यादा कुछ खास नहीं, पर एक बार पढ़ेंगे सारा याद हो जाएगा, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेती हूँ।